हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू पेट्रोगेट ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। और आज का टॉपिक आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टॉपिक 15 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। टॉपिक 15 आज हम लोग बात करेंगे, और टॉपिक जो 15 है गेट के सिलेबस में और वो भी प्रोडक्शन सब्जेक्ट में, तो वो आप लोग ध्यान से देखोगे तो वो आपका जो टॉपिक है दैट विल बी योर नोडल सिस्टम एनालिसिस। तो यार ये क्या है यार, इसका फायदा क्या है? ऑयल इंडस्ट्री में नोडल एनालिसिस सिस्टम हम लोग प्रोडक्शन के टाइम पे क्यों देखते हैं, क्यों करते हैं, क्या इसका मतलब है, क्या इसका फायदा है, वो सारी चीजें लोग इस लेक्चर में क्लियर होंगी। और आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे ओनली 25 स्लाइड यहां पे है, और 25 स्लाइड में आप लोग नोडल एनालिसिस सिस्टम के बारे में, नोडल सिस्टम एनालिसिस के बारे में काफी चीजें जान जाओगे, काफी चीजें आपको इतनी समझ आ जाएगी कि आप लोग किस तरीके से नोडल एनालिसिस लगाते हो और नोडल एनालिसिस लगाने से फायदा मुझे क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, वो सारी चीजें आप लोग यहां पे देख लेंगे, कर लेंगे, समझ लेंगे। और गेट में इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल उसको देखने की जरूरत ज्यादा रहेगी नहीं। आप लोग एक बार पढ़ोगे और चीजों को, जो मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा, वो जैसे ही आप अप्लाई कर लोगे आप लोगों का क्वेश्चन बनता चला जाएगा। बात समझ रहे हो? तो नोडल एनालिसिस बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को आज के लेक्चर में काफी मजा आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आप नोडल एनालिसिस सिस्टम आप देख रहे हो, आज पढ़ रहे हो, तो आपको मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने कुछ पहले टॉपिक जो मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक ऑलरेडी आपने पढ़ लिए हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में अपने खत्म कराए हैं, अपने लास्ट लेक्चर में अपने कवर कराए हैं। बात समझ रहे हो? तो मुझे वो चीज आनी चाहिए और वो चीज अप्लाई ही करके मैं आज नोडल सिस्टम एनालिसिस करूंगा। मतलब बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप लोगों को पहले वाले लेक्चर आने चाहिए, दैट्स इट, इतनी मैं बात बोलना चाह रहा हूं। और वो पहले लेक्चर कौन से हैं जो यहां पे यूज होने वाले हैं? वो पहले लेक्चर आप लोगों के हैं आईपीआर, आपको पता होना चाहिए, और वीएलपी कर्व आपको पता होना चाहिए। और आईपीआर और वीएलपी कर्व ही ऐसे दो कंपोनेंट हैं या ऐसे दो बंदे हैं जो मुझे नोडल एनालिसिस मुझसे करवाते हैं, या सबसे ज्यादा मेन जो एक तरीके से सिग्निफिकेंट है इन आईपीआर और वीएलपी का, वो नोडल एनालिसिस में ही होता है। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, बट आज वो यहां प्रूफ भी होगी। हालांकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर और ट्यूबिंग अगर लेंगे तो आप लोगों का फ्लो रेट बढ़ता चला जाएगा वेल का। बात समझ रहे हो? ये मैंने आपको बताया था और इनफैक्ट फील भी कराया था, चीजें दिखाई भी थी, बट आज और अच्छी डिटेल में उनको देखने वाले हैं, आज और अच्छी डिटेल में उनको समझने वाले हैं, आज और अच्छी डिटेल में चीजों को एनालाइज करने वाले हैं। बात समझ रहे हो? तो मेरा आज का टारगेट जो बनता है वो नोडल सिस्टम एनालिसिस पढ़ने का बनता है। और इसको पढ़ने के लिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि यू नो द वैल्यू और यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीआर एंड वीएलपी कर। बात समझ रहे हो? तो देखना कि किस तरीके से हम लोग चीजों को अप्लाई करेंगे, किस तरीके से प्रेशर ड्रॉप एनालाइज करेंगे। अब बात ये आती है, सर मुझे नहीं पता, मुझे आप टेक्निकल लैंग्वेज में मत बताइए, मुझे आप ये बताइए कि नोडल सिस्टम एनालिसिस है क्या। मैं देखो, मुझे ये तो पता था बचपन में जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था ना, और फर्स्ट ईयर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी। पढ़ते हैं, डेफिनेटली पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में कोई भी पेट्रोलियम नहीं पढ़ेगा, फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल नहीं पढ़ेगा, फर्स्ट ईयर में सिविल नहीं पढ़ेगा, फर्स्ट ईयर में सब बच्चे कॉमन पढ़ते हैं, ये सभी इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट का एक रूल है। बात समझ रहा हूं? तो आप लोगों ने सभी ने इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ी होगी, और आप लोगों ने वहां पर भी देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट सर्किट जो है आते हैं, वायर आती हैं, और एक पॉइंट पे आके मिल जाती है। बात समझ रहे हो? ये एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, रेजिस्टेंस वेजिस्टेंस जो भी है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कहा होगा आप लोगों को, वहां पे आप लोगों को बताया भी गया होगा कि जहां पे डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों की वायर आके मिल रही है उस पॉइंट को मैं नोड बोल देता हूं, है ना। नोड का मतलब ये होता है कि चीजें एक तरफ से आ रही है और एक तरफ को जा रही है, और दैट विल बी योर नोड पॉइंट, जहां पे दो तीन एटलीस्ट टू वायर, एटलीस्ट टू फ्लो रेट, एटलीस्ट टू कनेक्शन वहां पे हो। बात समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं कि ये नोडल है क्या, नहीं, कम से कम अगर मैं बोलूंगा ये नोडल है क्या, नहीं, क्योंकि इधर से चीजें आई आगे गई नहीं, तो ये नोड नहीं है। अगर मैं बोलूं कि ये नोड है क्या, हाँ है, क्योंकि इधर से आई इधर से गई है, तो ये नोड हो सकता है। बात समझ रहे हो? तो एटलीस्ट दो लाइन तो होनी चाहिए, एटलीस्ट दो वायर तो होनी चाहिए, तीन हो चार हो बहुत अच्छी बात है, बट दो तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो मैं बात करने वाला हूं कि सर ये नोड वाला कॉन्सेप्ट तो मैं समझ में आ गया, मतलब आप लोग कहीं ऐसा पॉइंट मेजर करोगे, कहीं ऐसा पॉइंट मान के चलोगे जहां पे चीजें आ रही होंगी और दूसरे रास्ते से जा रही होंगी, और वहां पे एक नोडल आपका पॉइंट होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए उस नोडल पॉइंट को, उस नोड पॉइंट को जो मैंने बनाया था, उसको मैं एनालाइज करने वाला हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही बात यहां पे लिखी हुई है। तो मैं उस
कंट्रोल पॉइंट के प्रेशर को एनालाइज करने वाला हूं, और उस प्रेशर की हेल्प से मैं अपने फ्लो रेट, मैं अपने पीडब्ल्यूएफ, मैं अपने बहुत सारी चीज एनालाइज कर सकता हूं, जो मेरे लिए डेफिनेटली हेल्प करेंगे टू इंप्रूव द प्रोडक्शन, टू इनहेंस द प्रोडक्शन, टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है नोडल एनालिसिस करना, तो मैं हर पीरियडिक टाइम पे नोडल एनालिसिस करता रहता हूँ, जिससे मैं अपने चीज़ों के प्रेशर ड्रॉप, कौन सा कंपोनेंट कितना बड़ा लगना चाहिए, कितना उसकी ओपनिंग होनी चाहिए, कितना मैं ट्यूबिंग डायमीटर लगाऊं, कितना मैं फ्लो लाइन डायमीटर लगाऊं, क्या चीज़ें वगैरह वगैरह वगैरह। बात समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें हम लोग इस सिस्टम में एनालाइज करेंगे और फील करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। और भाई जो मैं बोल रहा हूं कि जो नोडल पॉइंट एनालाइज करके आप लोग अपने ट्यूबिंग के साइज को डिसाइड कर रहे हो, फ्लो लाइन को डिसाइड कर रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं, क्या ऐसा होगा भी या ऐसे हवा में बोल रहा हूं? नहीं, अब आपको वो फील आएगा, वो चीज आपको दिखेगी कि हाँ ऐसा होगा। बात समझ रहे हो? तो देखना, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया होने वाला है भाई। और आप, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को जो मैंने VLP कर, और जिसको मैं TATLP कर भी बोलता हूं, है ना, और बहुत सारे उसको नाम मैंने बोले थे आप लोगों को, इनफैक्ट आज भी दिखा दूंगा, कई नाम तो मैंने आज भी लिए हैं उसके, और IPR और VLP कर मिला के आप लोगों का बहुत सारा मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने वो पढ़े हुए हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिए हैं, है ना भाई, लास्ट लेक्चर में वो चीज़ें देख ली हमने आराम से। आई होप मज़ा भी आया होगा आप लोगों को, फील भी आया होगा, वहाँ पे चीज़ें दिखी भी होंगी, हो कैसे रही हैं, बहुत बढ़िया। तो आज का लेक्चर नोडल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले बात करेंगे कि ये होता क्या है, हालांकि मैंने हल्का सा आइडिया आप लोगों को दे दिया है, लेकिन जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो किताबी लैंग्वेज, जो टेक्निकल टर्म वहाँ पे लिखी हुई होती हैं, उनको भी मैं आपको जस्ट एक बार डिलीवर कर दूंगा। उसके बाद फिर हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पाएंगे, और आई होप ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और डेफिनेटली बोल रहा हूं मेरे भाई, डेफिनेटली बोल रहा हूं, गेट में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप लोग देखोगे जब कॉन्सेप्ट आप समझोगे ना, इनफैक्ट मैं तो क्या आप भी समझ लोगे इस बात को कि नहीं सर, अगर यहां से क्वेश्चन बनाना कोई चाहे तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। बात समझ रहे हो? इनफैक्ट मैं ये बात नहीं बोलूंगा, आप खुद एनालाइज कर लोगे इस बात को कि अगर सर आप जो बोल रहे थे ना कि यहां पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हो, हां सर यहां पे मुझे भी लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनफैक्ट आप ये बात खुद आपके मुंह से निकल जाएगी। बात समझ रहे हो? तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले थोड़ी बातें सुनते हैं, थोड़ी कहानी पढ़ते हैं इसके बारे में कि नोडल एनालिसिस सिस्टम क्या है, हम लोग देखेंगे, है ना। अब मैं आपको पहले, इससे पहले, जिससे पहले ये बताऊं, उससे पहले मैं हल्का सा आप लोगों को एक हल्का सा अपने ही लैंग्वेज में थोड़ा और बता देता हूं, ठीक है, जिससे कि ये चीजें पढ़ने में और आसानी हो जाए, ये लाइनें समझने में और आसानी हो जाए आप लोगों को। चलिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ भाई, समझना, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप लोग कहीं पे भी नोडल एनालिसिस कर लोगे, मतलब सर मैं समझा नहीं, दोबारा बताओ सर। बिल्कुल, मान के चलो कि दिस इज योर वेल बोर, ठीक है भाई, दिस इज योर वेल बोर, और आप लोग यहाँ से, ये आपका वेल हेड है, वेल हेड से फिर आप लोग का जो फ्लो जाएगा इस तरफ जाएगा, ये आपकी फ्लो लाइन है, फ्लो लाइन के बाद ये आपका सेपरेटर में चला जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ कहानी हो रही होगी, मैंने मोटा मोटा फिगर बना दिया है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि पी रिजर्वोर इसको बोलते हैं, जहाँ पे आपका रिजर्वोर का प्रेशर है, बहुत बढ़िया बात सर, मैं समझ गया इस बात को। और यहां पे आप लोगों का PWF बोलते हैं, यानी कि बॉटम होल फ्लोइंग प्रेशर है, ये भी मैं बात आपकी समझ गया हूं। तो जैसे जैसे चीजें आएंगी ना, जैसे जैसे कोई फ्लूड आएगा अंदर से, जैसे फ्लूड यहां पे आएगा, तो आप लोगों का कहीं ना कहीं प्रेशर ड्रॉप होगा, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया, ये मैंने बोल दिया कि कुछ प्रेशर ड्रॉप यहां पे हुआ होगा, और PWF से जब ऊपर जाएंगी कोई चीजें तो प्रेशर ड्रॉप वहां पे भी हुआ होगा, बहुत बढ़िया सर, ये भी मैं बात समझ गया, ये मोटा मोटा प्रेशर ड्रॉप लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, तो एक प्रेशर ड्रॉप ये भी हुआ होगा। इस प्रेशर ड्रॉप को मैं बोल देता हूं कि ये रिजर्वोयर में हुआ होगा, इस प्रेशर ड्रॉप को बोल देता हूं ये ट्यूबिंग में हुआ होगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो प्रेशर आके टकराया होगा, दिस इज योर वेल हेड प्रेशर, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ से जब ये यहाँ पे जाएगा सेपरेटर तक, तो भी यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर ड्रॉप होगा, इसको मैं प्रेशर ड्रॉप इन फ्लो लाइन बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग क्या कर रहे हो नोडल एनालिसिस में, आप लोग ये देख रहे हो कि बहुत जगह पे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो मुझे ऐसा ट्यूबिंग डिसाइड करना होगा, मुझे ऐसा फ्लो लाइन डिसाइड करना होगा, मुझे ऐसा सब सरफेस सेफ्टी वॉल डिजाइन करना होगा, मुझे ऐसा ट्यूबिंग चोक डिजाइन करना होगा, मुझे बॉटम होल प्रेशर डिजाइन करना होगा, मुझे ऐसा परफोरेशन डिजाइन करना होगा, मुझे ऐसा परफोरेशन की डेंसिटी डिसाइड करनी होगी, मुझे ऐसा बॉटम होल कंप्लीशन डिजाइन करना होगा, मुझे ऐसा आर्टिफिशियल लिफ्ट डिजाइन करना होगा, मुझे ऐसा गैस इंजेक्शन डिजाइन करना होगा, मुझे सारी की सारी चीजें जो मेरे फ्लो रेट के लिए रेस्ट्रिक्शन पैदा कर रही हैं वो सब चीज डिजाइन करनी होगी। तो मेरे लिए जाहिर सी बात है, ये करने के लिए मुझे अपना
एक नोडल पॉइंट डिसाइड करना होगा कि सपोज मैं अपना नोडल पॉइंट ये मान के चल रहा हूं और ये नोडल पॉइंट मान के चल रहा हूं, तो मतलब क्या बोल रहा हूं, ठीक है। मैंने भी क्या बोला आप लोगों को, बात समझना, मैंने आपको बोला कि आप लोग क्या कर रहे हो कि ये सारी चीजें जो मैंने बोली डिसाइड करना चाह रहे हो, तो आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे एक नोडल पॉइंट एज्यूम करना होगा। नोडल पॉइंट एज्यूम करना होगा। सर मैं समझानी, नोडल पॉइंट का मतलब मैं समझानी, आप लोग मान के चलोगे कि ये आपका नोडल पॉइंट है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि यहां से आने वाला प्रेशर इक्वल टू यहां से जाने वाला प्रेशर, बात समझ रहे हो, नोडल पॉइंट वो हो गया। अगर आप नोडल पॉइंट यहां डिसाइड कर रहे हो, अगर आप नोडल पॉइंट वेलहेड को डिसाइड कर रहे हो, तो यहां पे क्या बोलूंगा, यहां से आने वाला प्रेशर इक्वल टू यहां से जाने वाला प्रेशर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप नोडल पॉइंट इस सब सर्फेस सेफ्टी वॉल को मान सकते हो, तो यहां क्या होगा इसका मतलब, इस सब सर्फेस सेफ्टी वॉल पे आने वाला प्रेशर इक्वल टू यहां से जाने वाला प्रेशर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना आएगा उतना जाएगा, ये वाली बात मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे दिमाग में आ गया है सर, ये मेरे दिमाग में आ गया, मतलब कहने का सर अभी भी मेरी बातें क्लियर नहीं हुई है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को कि मुझे दो कर्व बनाने होंगे, बात समझना, मुझे दो कर्व बनाने होंगे और वही दो कर्व मेरे लिए रेस्पॉन्सिबल है टू डिसाइड और टू एनालाइज द नोडल। मतलब सर समझाने में, मेरे पास दो ऐसे कर्व थे जिसको मैंने बोला था IPR, मेरे पास एक और ऐसा कर्व था जिसको मैंने बोला था VLP, और उन दो की हेल्प से मेरे पास एक ग्राफ बन के आता था। ये कर्व हमेशा इनफ्लो वाला कर्व होता था जिसको मैं IPR बोलता था, और ये वाला कर हमेशा आपका VLP कर होता था जिसको मैं वर्टिकल लिफ्ट परफॉर्मेंस कर बोलता था, बात समझ रहा हूं। एक IPR हमेशा ऐसे बनेगा, VLP हमेशा ऐसा बनेगा, और लेकिन वो बंद कहीं और भी सकता है, मतलब बात समझ रहे हो। मैंने बोला कि ये हमेशा ऐसा बनेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये यहां पे बन सकता है, यहां पे बन सकता है, यहां पे बन सकता है, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, बनेगा लगभग ऐसा ही, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों के पास दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो नोडल एनालिसिस के लिए मेरा नोडल एनालिसिस मुझसे करवा देते हैं या मेरी हेल्प करते हैं, ये जिनसे मैं नोडल एनालिसिस करता हूं, वो दो ऐसे कर्व हैं, एक IPR और एक VLP। इसीलिए नोडल एनालिसिस पढ़ने से पहले हम IPR और VLP पढ़ चुके हैं, क्योंकि नोडल एनालिसिस इन्हीं दो से होगा, बात समझ रहे हो। अब मैं क्या करूंगा, बात समझना, अगर मैं वेलहेड प्रेशर को नोडल पॉइंट मान लेता हूं या फिर मैं बॉटम होल प्रेशर का नोडल पॉइंट मान लेता हूं, तो यहां पे आने वाला प्रेशर, मतलब यहां से यहां IPR बनने वाला कर्व और यहां से जाने वाला प्रेशर, यानी कि यहां से यहां आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि वर्टिकल लिफ्ट हो रहा है, यानी कि यहां से चीजें जा रही हैं, यानी कि यहां से वर्टिकल लिफ्ट परफॉर्मेंस वाला कर्व, बात समझना। अगर मैं ये वाला पॉइंट मान लेता हूं, तो मेरा यहां से आने वाला प्रेशर और इक्वल टू यहां से जाने वाला प्रेशर, मतलब इस बार IPR यहां से यहां तक वाला बनेगा और यहां से यहां इनफ्लो यानी कि सॉरी आउटफ्लो बनेगा, बात समझ रहे हो। अभी के लिए शोर लग रहा होगा सर, पता नहीं क्या क्या हो गया, क्या हो गया, मिक्सअप हो गया, कोई बात नहीं भाई, चीजें डिटेल में आएंगी। तो कहने का मतलब है नोडल एनालिसिस, बात समझना, फिलहाल के लिए जो मेरा मेन पॉइंट है अभी वो समझो, ये वाली चीजें जो मैंने बोली हैं ये आगे डिटेल में आ जाएंगी, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि नोडल एनालिसिस मेरे लिए ट्यूबिंग साइज, मेरे लिए वेल कंप्लीशन, मेरे लिए परफोरेशन डेंसिटी, मेरे लिए वेल हेड प्रेशर या फ्लो या आपका ट्यूबिंग चोक का डायमीटर, या मेरे लिए फ्लो लाइन, या मेरे लिए गैस इंजेक्शन वगैरह वगैरह का डिसाइड करवा देता है मुझसे, कि मैं कितना अमाउंट ऑफ गैस इंजेक्ट करूं, या कितनी परफोरेशन डेंसिटी लूं, कितना डायमीटर का पाइप लूं, कितने डायमीटर की फ्लो लाइन लूं, वगैरह वगैरह, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझसे करवा देता है, कौन करवा देता है, नोडल एनालिसिस। और नोडल एनालिसिस के लिए कौन दो ऐसे कंपोनेंट है जो यूज होते हैं नोडल एनालिसिस करने के लिए, IPR और VLP। तो कहने का मतलब है, डायरेक्ट अगर मैं बोल दूं कि नोडल एनालिसिस होता है, बात समझना, IPR एंड VLP कर्व से, बात समझना, नोडल एनालिसिस जो होता है वो IPR VLP कर्व से होता है, और नोडल एनालिसिस से क्या होता है, मैं ये सारी चीजें डिसाइड कर लेता हूं, बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूं कि मैं IPR VLP से ये सारी चीज डिसाइड कर सकता हूं जो मैं बार बार बोल रहा हूं, बोल सकता हूं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इन पॉइंट की। अब जितने मैंने कहानी आपको यहां बताई है वो सब कहानी दिमाग में रखेंगे आप लोग, और ये लाइन पढ़ते चले जाएंगे, इनफैक्ट मैं पढ़ता चला जाऊंगा आप लोगों के लिए, आप सिर्फ सुनते चले जाना कहानी को, कुछ पॉइंट होगा आप नोट करते चले जाना, बहुत बढ़िया बात, बात समझना। तो नोडल सिस्टम एनालिसिस ने बोला एक फ्लेक्सिबल मेथड है मेरे भाई, ऐसा कोई एक फ्लेक्सिबल मेथड है, और इस फ्लेक्सिबल मेथड में क्या कर सकते हैं हम, दैट इज यूज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मैनी वेल सिस्टम। मतलब आप लोग किसी भी वेल बोर का एक जो परफॉर्मेंस है या ऑप्टिमाइजेशन है वो कर सकते हो, या परफॉर्मेशन इनहेंस कर सकते हो, या ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, या प्रोडक्शन रेट बढ़ा सकते हो, किसकी हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से। कौन है ये फ्लेक्सिबल मेथड, ये है नोडल एनालिसिस मेथड, बात समझ रहे हो। कैसे करेंगे वो आगे देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए मैंने समझ लिया कि नोडल एनालिसिस मेरे लिए परफॉर्मेशन, मेरे लिए
अच्छा परफोरेशन डिसाइड करवाता है, अच्छा वेल कंप्लीशन डिसाइड करवाता है, अच्छा ट्यूबिंग डिसाइड करवाता है, अच्छा जो आपका फ्लो लाइन है उसका डायमीटर सेट करवा देता है, ये सब सरफेस सेफ्टी वॉल का डायमीटर सेट करवा देता है, या आप लोगों का चोक का डायमीटर है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ये मुझसे डिसाइड करवा देता है, और जो मेरे लिए वेल के परफॉर्मेंस को या एक तरीके से वेल का प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करवा देता है, समझ लो, जो मेरे लिए प्रोडक्शन बढ़वा देता है। ये सिंपल सी बात है, इतनी सी, इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग पढ़िए यहाँ पे, क्या बोला, द प्रोसेसर कैन बी अप्लाइड ऑन बोथ फ्लोइंग एंड आर्टिफिशियल लिफ्ट वेल। बहुत बढ़िया बात, यानी कि जो वेल आपका अपने आप फ्लो हो रहा है, सेल्फ फ्लो हो रहा है, आप ये वाला मेथड वहां पे भी लगा सकते हो, ये वाला मेथड आप आर्टिफिशियल वाले वेल में भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात, सिंपल सी चीज चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट उसने मुझे बोला कि नेसेसरी टू बी एबल टू कैलकुलेट। बहुत बढ़िया बात, यही तो मेन चीज है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ब्लू भी कर दिया। मैंने क्या बोला कि यहां पे ये कैलकुलेट कराता है मुझसे कि आप लोगों का प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है हर एक कंपोनेंट में। मतलब देख पा समझना, जो मैं एक चीज आपको बोलना चाह रहा था, इनफैक्ट बोल भी दी थी मैंने वाली बात आप लोगों को, क्या बोली थी कि हर एक पॉइंट पे जहां से जहां जहां तक आपका जहां जहां से आपका फ्लो जाएगा हर एक पॉइंट पे आपका कहीं ना कहीं प्रेशर ड्रॉप होगा ही होगा। आपका ऑयल यहां से यहां पहुंचा तो भी प्रेशर ड्रॉप हुआ, इसको मैं रिजर्वोर प्रेशर ड्रॉप बोल रहा हूं, यहां से वहां पहुंचा तो भी प्रेशर ड्रॉप हुआ, जिसको ट्यूबिंग प्रेशर ड्रॉप बोल रहा हूं, यहां से यहां पहुंचा तो भी प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो हर एक पॉइंट पे। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि अगर सब सरफेस सेफ्टी वॉल ना होती तो मेरा फ्लो डायरेक्ट निकल जाता तो शायद यहां से यहां होने वाला प्रेशर ड्रॉप ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर आपने यहां पे क्या लगा दिया मेरे भाई, क्या लगा दिया, सब सरफेस सेफ्टी वॉल लगा दी है, तो इसका मतलब कहीं एक रेस्ट्रिक्शन मिल गया मुझे एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन मिल गया तो मेरे लिए एक्स्ट्रा प्रेशर ड्रॉप हो गया। अगर आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रहे हो और आपको रास्ते में ब्रेकर नहीं मिल रहे तो आप लोग आसानी से निकल जाओगे, आप उतना थकावट महसूस नहीं करोगे, बिकॉज आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं मिला है। अगर आपको मैं बोल दूं कि यहां पे दो तीन ब्रेकर दे दी, यहां पे दो तीन ब्रेकर दे दी, यहां पे, तो आप थक जाओगे, मैं कहोगे यार कहां ले आया भाई तू, समझ रहे हो ना। तो वही चीजें हैं, तो ये सारे कंपोनेंट में जो लगा रहा हूं अपने पूरे वेलबोर में और फ्लो लाइन में, वो भी मेरे लिए एक रेस्ट्रिक्शन पैदा करते हैं, और उनमें होने वाले प्रेशर ड्रॉप ज्यादा ना हो तो मैं उस हिसाब से उनको डिजाइन कर लेता हूं। और वो कैसे डिजाइन कर लेता हूं, अब भाई किससे करूंगा, वही बात नोडल एनालिसिस, वही बात नोडल एनालिसिस, बात समझ रहे हो। तो वो भाई देखो, मुझे काम भी करवाना है इनसे, भाई ये सब सरफेस सेफ्टी वॉल लगी रहे, मेरा काम भी करे, लेकिन रेस्ट्रिक्शन भी ना दे, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ तो रेस्ट्रिक्शन देगा भाई, लेकिन उतना आप डिसाइड कर लो, अपना दिमाग लगा लो कि जिससे रेस्ट्रिक्शन भी कम हो जाए और ये अपना काम भी कर ले, बात समझ रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी मेरे भाई, ठीक है। उसने कहा कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप, तो आप लोग हर एक जो कंपोनेंट है उनके प्रेशर ड्रॉप कितने हो रहे हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आप लोग मिनिमम प्रेशर ड्रॉप वाली सिचुएशन सेट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो उसने बोला तो कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप, बहुत बढ़िया, दैट विल बी ऑल इन सिस्टम कंपोनेंट। बहुत बढ़िया, वही बोला मैंने क्या कि हर एक पूरे कंप्लीट सिस्टम में जितने मेरे कंपोनेंट हैं, इक्विपमेंट है, डिवाइस है, छोटी छोटी वॉल लगी हुई है, उनमें जो प्रेशर ड्रॉप हो रहे हैं तो वो मिनिमम मैं करना चाह रहा हूं, है ना। तो उनका मिनिमम करने के लिए पहले कैलकुलेट तो कर लो वो कितने हैं, तो वही बात है भाई, तो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ नोडल एनालिसिस। बहुत बढ़िया बात, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं भाई। उसने मुझे बोला प्रेशर ड्रॉप डिपेंड नॉट ओनली, हाय हाय कितनी अच्छी बात बोली, क्या बोला उसने मुझे कहा कि जो आप लोगों का फ्लो रेट निकल रहा है तो जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो यही नहीं होता, ये प्रेशर ड्रॉप आप लोगों का फ्लो पे ही डिपेंड नहीं करता, बात समझना, ये प्रेशर ड्रॉप आपका फ्लो पे ही डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या बोला यार, मैं समझ नहीं पा रहा बात को। आप लोगों का फ्लो हो रहा है भाई, हाँ आप लोगों का फ्लो रेट हो रहा है, तो फ्लो रेट अगर होगा क्यू इक्वल टू, अगर मैं देखना चाहूंगा तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, वी इन टू ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वी क्या है मेरे भाई, यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी है यार, थोड़ा डिटेल में देख लो, वेलोसिटी है। तो फ्लो रेट जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होगा। क्यों भाई, क्यों सर, क्योंकि आप लोग देखोगे फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप भी वहां पे ऐड हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप वहां पे ऐड हो जाता है। क्या क्या था फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप, रो वी स्क्वायर अपॉन 2dg, है ना, 2gd, ठीक है, ये था। और यहाँ पे क्या था, मूडी फ्रिक्शन था, तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर ड्रॉप जो है वो फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप बढ़ेगा। क्या बोला जरा देखिएगा, उसने कहा प्रेशर ड्रॉप जो आपका हो रहा है थ्रू आउट द पाइपलाइन या थ्रू आउट द फ्लो लाइन में या आपके ट्यूबिंग में जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो नॉट ओनली डिपेंड ऑन द फ्लो रेट, वो फ्लो रेट पे डिपेंड तो करेगा ही करेगा, एज वेल एज वो साइज पे भी करेगा एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपोनेंट पे भी डिपेंड करेगा। मतलब उस कंपोनेंट का आपका साइज कितना है, उस
पे भी डिपेंड करेगा। तो आप लोगों का एक मजबूरी बन जाता है अगर आप लोगों को रेस्ट्रिक्शन कम या ज़्यादा या कोई रेस्ट्रिक्शन या प्रेशर ड्रॉप कम ज़्यादा कराने हैं या फ्लू रेट बढ़ाना है तो आप लोगों को डेफिनेटली उसके साइज पे भी ध्यान देना होगा। तो उसने ये बोल दिया क्यों, क्योंकि फ्लो रेट जो है, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप जो है वो साइज पे भी डिपेंड करता है। तो आप इस मिसकंसेप्शन में मत रहना कि जब जो आपका फ्लो रेट, जो आपका प्रेशर ड्रॉप है, दैट विल डिपेंड ओनली ऑन फ्लो रेट। भाई ठीक है, फ्लो रेट पे डिपेंड करता है, क्यों करता है, डेफिनेटली बात समझ लीजिएगा क्यों करता है। आप लोगों को ऑलरेडी मैं ये बात डिस्कस कर चुका हूं लास्ट लेक्चर में, ठीक है, कहां डिस्कस की थी, जब मैं लास्ट लेक्चर में मल्टी फेज फ्लो पढ़ाया था वहां पे लैमिनार और टर्बुलेंट के बारे में बताई थी, दोनों के फॉर्मूले बताए थे, और जब वहां पे हाइजन फॉर्मूला एक डार्सी फॉर्मूला दोनों बताए थे, और वहां पे फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप के बारे में बातें की थी, डेफिनेटली की थी, बहुत अच्छे से की थी, फील कराया था आपको, बहुत मजा आया था, बात समझ रहे हो। चलिए, लेकिन अब मैं बहुत बोल रहा हूं कि वो अगर मेरा किसी का, किसी फ्लो रेट का वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो फ्लो रेट भी ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा है तो फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप भी ज्यादा होगा, ये बात मैंने आपको बताई थी। डार्सी इक्वेशन में जो आपका फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप है वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होता है, ये बात मैंने बताई थी, और जो हाइजन वाला फॉर्मूला था उसमें फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप वेलोसिटी के सिर्फ सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो कहने का मतलब वेलोसिटी बढ़ने से, वेलोसिटी बढ़ने से आप लोगों का फ्लो रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि फ्लो रेट इक्वल टू v इनटू a, तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो फ्लो रेट बढ़ेगा, फ्लो रेट बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, ये बात मैंने बोल दी, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो डायरेक्टली फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप भी बढ़ेगा, है ना भाई। किससे, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था जल्दी से बताइए, जहां मैंने लास्ट लेक्चर में मल्टी फेज फ्लो की बातें कही थी तो वहां पे आपको डार्सी फॉर्मूला बताया था, बहुत बढ़िया। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये वाले बात मेरी बात क्लियर होगी। तो मेरे लिए जो मैटर करता है, जो मेन चीज़ है, वो साइज पे भी मैटर करता है। क्या मैटर करता है साइज पे मेरे भाई, क्या मैटर करता है, मेरे जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मेरे प्रेशर ड्रॉप देंगे, प्रेशर ड्रॉप देंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लो रेट आएगा, फ्लो रेट आएगा तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लो रेट आएगा, फ्लो रेट आएगा तो डिफरेंट डिफरेंट एफिशिएंसी होगी वेल के प्रोडक्शन की, और मुझे तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन चाहिए भाई, मुझे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए, तो मुझे साइज पे भी उसका एक अच्छा कंसिडरेशन रखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि किस साइज का मुझे वैल्यू लेनी पड़ेगी, ट्यूबिंग की, फ्लो लाइन की, या चोक की, या सब सरफेस सेफ्टी वॉल की, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उसने कहा कि हम लोग अब इस प्रोसेसर को कैसे, जो मैंने जो आप बोल रहे हो, जो आपको ये बोल रहे हो, जो आपका प्रोसेसर है, इसको कैसे करते हो, इस प्रोसेसर को कैसे करते हो, इसको कैसे आप लोग एक्टिव करते हो, इसको कैसे मेंटेन करते हो, क्या इसमें करते हो, आप नोडल एनालिसिस की बात कर रहे हो तो क्या करते हो, आप लोग कह रहे हो कि मैंने बोला कि इसमें हम लोग सेलेक्टिंग कर लेते हैं एक डिवीजन पॉइंट और नोड, एक नोड या फिर और डिवीजन पॉइंट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, और वो आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को ये कौन कौन से नोड पॉइंट आपके हो सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग सेलेक्ट कर लो पहले कि आपको नोड पॉइंट कौन सा रखना है, डिवीजन पॉइंट कौन सा रखना है, और फिर उस पूरे सिस्टम को, ये जो भी आपने पॉइंट रखा है, नोड जो आपने सेलेक्ट किया है, अब उस पूरे सिस्टम को दो भाग में डिवाइड कर दो, इस एक 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 पार्ट इससे आगे वाला और एक पार्ट इससे पीछे वाला। अगर आप ये वाला सिस्टम डिसाइड करते हो, ये वाला नोड पॉइंट डिसाइड करते हो, तो एक सिस्टम इससे पहले वाला, एक सिस्टम इसके बाद वाला। अगर आप इस वाले पॉइंट को नोड सिस्टम डिसाइड करते हो, तो एक सिस्टम इससे पूरा पहले वाला, एक सिस्टम इसके आगे वाला, बात समझ रहे हो। अगर आप इसको नोड पॉइंट डिसाइड करते हो, तो एक पॉइंट इससे आगे वाला, एक पॉइंट इससे पूरा पीछे वाला, समझ रहे हो। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी एक तरीके से नोड पॉइंट रख सकते हो अपना, और उस नोड पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लोगों की चीजें आ जाएंगी, ग्राफ बन जाएंगे, आप लोग डिसाइड कर लोगे अपने जो भी जो टूल आप लोग डिसाइड करना चाह रहे हो, साइज डिसाइड करना चाह रहे हो। बहुत बढ़िया बात, अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करते हैं, फिलहाल के लिए सिर्फ समझ लो कि मैंने एक नोड पॉइंट डिसाइड कर लिया है, उस नोड पॉइंट के बेस पे मैंने वैल को, पूरे सिस्टम को दो भाग में डिवाइड कर लिया है, एक जाने वाला और एक उस पॉइंट पे आने वाला, बात समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उधर का सिलेक्शन ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूबिंग एंड और फ्लो लाइन साइज कैन बी मेड बाय, भाई वही तो 10 बार तो बोल चुका हूं, उसने कहा जो आप लोग करेक्शन, जो आप लोग देख रहे हो ना, सेलेक्ट ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूबिंग एंड फ्लो लाइन आप लोग डिसाइड कर सकते हो बाय यूज विद द हेल्प ऑफ किससे, नोडल एनालिसिस से। बहुत बढ़िया सर, मैं समझ गया आपके, बिल्कुल हिंदी भाषा में बातें समझ गया मैं। चलिए, उसने कहा जो दो मेन कॉम्पोनेंट हैं आपके, जो आपके दो मेन कॉम्पोनेंट हैं, वो आपके दो यहाँ पे ये हैं, IPR और वर्टिकल लिफ्ट परफॉर्मेंस, और इसको हम लोग आउटफ्लो कर्व भी बोलते हैं, इसको हम लोग ट्यूबिंग इंटेक कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि चीजें ट्यूबिंग के अंदर आ रही है, ट्यूबिंग में इंटेक हो रहा है, तो उसके उसमें जो कर्व बनता है वो आपका क्या हो गया, VLP कर्व हो गया। आप लोग देख रहे हो ये VLP कर्व हो जाता है, ये IPR कर्व हो जाता है, ये बात आप लोगों को मैं पता है, ये एज्यूम करके चल रहा हूं क्योंकि ये बातें मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग देखोगे कि यहां से यहां आने में जो आप लोगों की माथा पच्ची होती है, जो
आप लोगों की माथा पच्ची होती है या जो आपके प्रेशर ड्रॉप होते हैं वो मेरे आईपीआर के अंदर आ जाते हैं, बात समझना। और जो यहां से यहां के अंदर जो आपका फ्लो होता है या फ्लूड का जो फ्लो होता है या प्रेशर लॉसेस होते हैं जो भी होता है वो मेरा आउटफ्लो में आ जाता है या मेरा वर्टिकल लिफ्ट परफॉर्मेंस में आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से फ्लूड वर्टिकली लिफ्ट हो रहा है तो इसलिए वर्टिकल लिफ्ट परफॉर्मेंस में बोल रहा हूं। इसका मेन और असली नाम जो है वो वीएलपी ही है लेकिन इसको ट्यूबिंग परफॉर्मेंस कर्व भी बोल देते हैं, जिसको मैं बोलता हूं ट्यूबिंग परफॉर्मेंस कर्व भी बोल देते हैं, है ना भाई, समझ रहे हो। तो ये इसे ट्यूबिंग लिफ्ट परफॉर्मेंस भी बोल देते हैं, ट्यूबिंग लिफ्ट परफॉर्मेंस भी बोल देते हैं। तो VLP और TLP दोनों एक ही नाम है और ट्यूबिंग इंटेक कर्व भी बोल देते हैं क्योंकि ट्यूबिंग के अंदर जो चीजें फ्लूड इंटेक हुआ है उसका एक कर्व बोल देते हैं और इसको आउटफ्लो कर्व भी बोल देते हैं। क्योंकि अगर आपका ये नोड पॉइंट है तो इस नोड पॉइंट पे आने वाला फ्लूड ये रहा और जाने वाला फ्लूड ये रहा तो आप लोगों को इसको आप लोग आउटफ्लो कर्व भी बोल देते हैं। अब आप कहोगे सर इसके तो बहुत सारे नाम है। हां भाई इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, जब मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी क्या, जब मैंने आप लोगों को ये ग्राफ बना के दिखाया था क्या, ये आपका रिजर्वोयर प्रेशर है और आप लोगों का इस तरीके से फ्लूड का एक ग्राफ बन रहा है और ये आपका आईपीआर कर्व है, मैं बार बार बोलता था, है ना, इनफ्लो परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, और यहाँ पे आपका क्यू मैक्स था ये आपको पता है, और जैसे जैसे इधर जाऊंगा तो फ्लो रेट जो है आप लोगों का घटता चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, सबसे ज्यादा इधर, सबसे कम 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 कम, समझ रहे हो, यहाँ सबसे ज्यादा रिजर्वोयर प्रेशर, फिर कम 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 कम, उसको मैं बोलता था यहां पे PWF। क्यों बोलता था मेरे भाई, क्यों बोलता था, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे आपने नोड पॉइंट ये लिया हुआ था, आपका नोड पॉइंट ये था उस टाइम पे, आपका नोड पॉइंट ये था, तो मतलब आप लोग PWF के कोरस्पोंडिंग आने वाला कर्व, इनफैक्ट दूसरा जाने वाला कर्व बनाते थे और आप लोग देख रहे होंगे चीजें आने वाला कर्व और यहां से इस पॉइंट से, बात समझना, जाने वाला कर्व, ठीक है। तो अगर आप यहां पे ये वाला कर्व नोड ले लेते तो आप लोगों का यहां से आने वाला कर्व ये बनता और जाने वाला कर्व ये बनता, बात समझ रहे हो, है ना। तो आपका आने वाला हमेशा ऐसे ही बनेगा और जाने वाला हमेशा ऐसे ही बनेगा, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि कैसे कैसे पता चल रहा है, ये बात मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी कि यहां पे अगर नोडल है तो आने वाला और यहां से जाने वाला कर्व आईपीआर और वीएलपी दोनों कर्व आपके यहां पे बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको ये बात बोली थी, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि आईपीआर कैसे बन रहा है वीएलपी के, अरे यार आईपीआर मतलब यहां से यहां की परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वीएलपी यहां की परफॉर्मेंस दिखा रहा है और दोनों की परफॉर्मेंस को मिला दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि कितना सरफेस पे मुझे ऑयल मिलने वाला है, बात समझ रहे हो, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और इसकी बेकार होगी तो भी मुझे ऑयल नहीं मिलने वाला ज्यादा सरफेस पे, इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी इसकी परफॉर्मेंस कम होगी तो भी मुझे सरफेस पे ज्यादा ऑयल नहीं मिलने वाला, मेरे मुझे ऑयल मिलेगा हमेशा तब जब ये भी अपना अच्छे से काम करेगा और ये भी अपना अच्छे से काम करेगा, बात समझ रहे हो, ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में इतनी बातें हो गई हैं। अब मैंने बोला कि आईपीआर वीएलपी कर दोनों मेरे समझ में आ गए हैं भाई, जहाँ पे भी आईपीआर और वीएलपी कर कट करते हैं वही प्रोडक्शन मुझे सरफेस पे मिल जाता है, समझ रहे हो, वही प्रोडक्शन मुझे मिल जाता है। अगर आपका आईपीआर की जो परफॉर्मेंस है वो यही है लेकिन आपने किसी तरीके से वीएलपी की परफॉर्मेंस बढ़ा दी, कैसे, अच्छा साइड डिसाइड करके, अच्छा अपने रेस्ट्रिक्शन को कम करके, प्रेशर ड्रॉप को मिनिमाइज करके, बात समझ रहे हो, तो आप लोग अपना वीएलपी कर को यहां पे कट करवा देंगे और यहां पे कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपने परफॉर्मेंस बढ़ा दी है वीएलपी कर की तो आप लोग देखोगे आपका फ्लो रेट जो पहले ये मिल रहा था आज मुझे ये मिलेगा, क्योंकि ये दोनों यहां पे कर रहे हैं आज और ये फ्लोरेट इस फ्लोरेट से कम होगा तो यहां पे फ्लोरेट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा और सबसे ज्यादा फ्लोरेट मुझे मिलेगा यहां पे। तो अगर यहां पे 50 मिल रहा था तो आज मुझे यहां पे कितना 100 मिलेगा। अगर आपने और अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ा दी, वो किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं, वो इनफैक्ट अभी देखेंगे आगे कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप लोगों का फ्लोरेट 150 मिल जाएगा और बढ़ा दिया तो आप लोगों का फ्लोरेट 200, समझ रहे हो, तो समझ रहे हो ना बात को, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे चीजें ऐसे होती हैं, है ना, हो सकता है कि आप लोगों की, बहुत बढ़िया बात समझना बिल्कुल मेरी बात में क्या कह रहा हूं, हो सकता है कि आप लोगों का जो वीएलपी कर्व है वो बराबर रहे, वो आज यही रहे, क्यों, यानी कि आपने इसकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा रहे हो, आप यहां की परफॉर्मेंस बढ़ा दे रहे हो, कैसे बढ़ाओगे ये थोड़ा सा एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बात आ गई सर, क्यों, क्योंकि ट्यूबिंग में तो आप चेंजेस कर सकते हो, आप यहां के बीच कैसे चेंज करोगे मेरे भाई, आप रिजर्वर में कैसे चेंजेस करोगे, अरे भाई कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग यहां पे परफॉर्मेशन जो किए थे वो अच्छे से कर दो,
आप लोग परफोरेशन डेंसिटी बढ़ा दो, आप लोग बड़े बड़े परफोरेशन कर दो, आप लोगों का जो प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे हो रहा था एडिशनल स्किन फैक्टर वगैरह वगैरह जो उसको डैमेज जो आपका अगर जो फॉर्मेशन है डैमेज हो रखा है आसपास वेलबोर के वो हटा दो तो कहीं ना कहीं आप लोगों का यहाँ से यहाँ प्रेशर ड्रॉप घट जाएगा क्योंकि आपने चीज़ें अच्छी कर दी हैं, आपने रास्ते में ब्रेकर जितने थे वो सारे हटा दिए हैं, आपने अपनी सड़क अच्छी कर दी है, रास्ते अच्छे कर दिए हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो भाई आप लोगों का यहाँ से यहाँ प्रेशर ड्रॉप होगा ही नहीं, कम होगा। तो आप लोग देखोगे मेरी जो यहां का परफॉर्मेंस है अच्छा हो गया, लेकिन यहां का परफॉर्मेंस वही रखा, यानी कि ये अगर मेरा नोड पॉइंट था, नोड पॉइंट पे आने वाला परफॉर्मेंस ज्यादा हो गया, यानी कि आप लोग आने वाला परफॉर्मेंस जो है अपना बढ़ा रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो। आने वाला मतलब इनफ्लो, इनफ्लो मतलब ये वाला ग्राफ, ये वाला मतलब पहले आपका ऐसे था, आज आपने ऐसे कर दिया। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। लेकिन VLP में कोई चेंज नहीं किया, यानी कि VLP आपका एक ही है। तो आप लोग देखोगे आपका पहले फ्लो रेट ये मिल रहा था 50, और आज जैसे आपने ये रास्ता अच्छा कर दिया, यानी कि IPR में चेंजेस करे हैं, यानी कि इनफ्लो में चेंजेस करे हैं, देख लो इस नोड पॉइंट के अकॉर्डिंग फ्लो आ रहा है या यहां से जा रहा है, भाई आ रहा है, यानी कि इनफ्लो में चेंजेस होंगे, इनफ्लो में चेंजेस होंगे, तो यानी कि ये वाला IPR मेरा पहले ऐसा था, आज IPR ऐसे बन गया, और IPR ऐसे बन गया तो आपका फ्लूड जो प्रोडक्शन है वो 100 हो गया। आपने और अच्छा रास्ता कर दिया, आपने और IPR बदल दिया, तो आप देखोगे मेरा अब IPR बदल रहा है। और पहले क्या था, पहले आपका IPR सेम था, और आप यहां से इसकी प्रोडक्शन ट्यूबिंग में या किसी इसकी जो वर्टिकल लिफ्ट परफॉर्मेंस है प्रोडक्शन में, जो प्रोडक्शन ट्यूबिंग है उसमें चेंजेस कर रहे थे, उसको इंप्रूव कर रहे थे, तो आप लोगों का आउटफ्लो चेंज होगा, इनफ्लो तो वही है, तो आप लोगों का इनफ्लो कर्व एक ही बना, लेकिन आउटफ्लो बहुत सारे बन गए। यहां पे आउटफ्लो एक ही बना, इनफ्लो बहुत सारे बन गए, क्यों? क्योंकि आप लोग चेंजेस जो है वो इनफ्लो में कर रहे थे, ठीक है। हालांकि ये बातें बार बार दोबारा से आएंगी, तो कहने का मतलब है इस स्लाइड में सिर्फ इतना सा कहने का मेरा मतलब है कि आप लोगों का जो मेन कंपोनेंट है वो नोडल एनालिसिस के लिए वे दो ही ऐसे बच्चे हैं, दो ही ऐसे बंदे हैं जो मेरा नोडल एनालिसिस करवाने में हेल्प करेंगे। बात समझ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बोल लेता हूं हल्का, हालांकि भाई मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये बातें मैंने डिस्कस कर रखी है, क्या कि VLP कर्व और IPR कर्व डिपेंड किस किस पे करते हैं, भाई बात समझना किस किस पे डिपेंड करते हैं। भाई मुझे ये बताओ, अगर मुझे ये बताओ कि यहां पे अगर मैं पीछे आऊंगा और इसको पूरा को पूरा हटाऊंगा मैं यहां से, मुझे बताओ कि IPR रिजर्वोर प्रेशर से वेलबोर में आने वाले परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, बात समझ रहे हो, ठीक है। और VLP कर्व यहां से यहां जाने में रिप्रेजेंट करता है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे अगर मुझे बताओ कि अगर मुझे IPR कर्व किस पे डिपेंड करेगा कि वो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा मेरे भाई? वो डेफिनेटली जब वो डिपेंड यहां से यहां पे बनता है, वो बनता ही यहां से यहां फ्लो आने में बनता है, वो आपका IPR रिप्रेजेंट ही फ्लो यहां से यहां आने में करता है, वो उसकी परफॉर्मेंस को दिखाता है कि यहां से यहां कितने अच्छे से आ रहा है, तो भाई डिपेंड भी सारी यही की प्रॉपर्टी पे ही करेगा, है ना। तो यहां की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है, बात समझना, यहां की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है, यहां की प्रॉपर्टी हमेशा मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वो होंगी जो रिजर्वोर की होंगी, बात समझ रहे हो, क्योंकि फ्लूड यहां से वेलबोर में आ रहा है, रिजर्वोर से वेलबोर में आ रहा है, तो सारी प्रॉपर्टी आपकी वेलबोर की ही, सॉरी रिजर्वोर की ही होंगी जिस पर IPR कर्व डिपेंड करता होगा, है ना। इसकी प्रॉपर्टी नहीं होंगी, इसकी प्रॉपर्टी नहीं होंगी, है ना भाई। चलिए बहुत बढ़िया बात, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ऑयल आपका कैसा है, ऑयल की विस्कोसिटी डेंसिटी वगैरह वगैरह कैसी है, गैस आपकी है या नहीं है, उसकी डेंसिटी कंप्रेसिबिलिटी वगैरह वगैरह है क्या, मतलब बात समझना। हालांकि ये बारे में मैंने इसके बारे में डिस्कस मैंने ऑलरेडी कर रखा है जब IPR और VLP पढ़ाया था, लेकिन फिर भी ये बातें आ गई हैं तो मैंने एक स्लाइड डाल दी है इसके ऊपर भी, क्या कि जब फ्लूड यहां से यहां फ्लो होगा तो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो फ्लूड कैसा है जो यहां से यहां जा रहा है, दूसरा किस रास्ते से जा रहा है, बात समझना। मुझे यहां से कहीं जाना है भाई, तो एक तो डिपेंड करेगा कि मेरा रास्ता कैसा है, एक डिपेंड उस पर भी तो करेगा आपकी बाइक कैसी है, है ना भाई, समझ रहे हो। तो रास्ता कैसा है वो तो हो गया रिजर्वोयर की प्रॉपर्टी, लेकिन बाइक कैसी है, आपकी गाड़ी कैसी है, उसके सस्पेंशन कैसे, आप साइकिल पे जा रहे हो या आप किसकी, समझ रहे हो ना, बस में जा रहे हो या कार में जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, है ना भाई। तो वो चीज तो मेरा फ्लूड की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि बाइक की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, और सड़क कैसी है, यानी कि रिजर्वोयर की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा। तो बहुत बढ़िया बात तो मेरी ये होगी भाई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप लोगों की फ्लूड और गैस की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा, और आप लोगों की जो फॉर्मेशन है या रिजर्वोयर है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, जैसे रिजर्वोयर प्रेशर क्या है, परमेबिलिटी मतलब रास्ता कैसा अच्छा है, कोई बीच में स्किन मतलब कोई बीच में
ब्रेकर तो नहीं है और कितना चौड़ा रास्ता है, नेट पे थिकनेस वगैरह वगैरह, है ना। तो सारी रिजर्वर की प्रॉपर्टी और फ्लूड की प्रॉपर्टी और वेल आपका कैसा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वगैरह वगैरह, यानी कि कहने का मतलब है फ्लूड की प्रॉपर्टी तो दोनों ही करेगा, फ्लूड की प्रॉपर्टी पे तो दोनों पे ही करेगा। अभी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ दोनों पे। तो कहने का मतलब फिलहाल आप समझ लीजिएगा कि फ्लूड आपका रिजर्वर से यहाँ जा रहा है तो रिजर्वर और फ्लूड दोनों पे डिपेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते सर वीएलपी कर्व की। तो वीएलपी कर्व जो आपका यहाँ से यहाँ बना ये किस किस पे डिपेंड करेगा भाई, ये वाला तो बता दिया मैंने। अब वीएलपी कर्व यहाँ से यहाँ बनता था तो यहाँ से यहाँ रास्ते में कौन कौन आ रहा है, ट्यूबिंग आ रहा है, आपका फ्लूड भी जा रहा है, तो भाई फ्लूड की प्रॉपर्टी पे तो दोनों ही कर्व डिपेंड करेंगे, क्योंकि फ्लूड यहाँ से यहाँ गया तो भी फ्लूड आया, यहाँ से फ्लूड यहाँ गया तो फ्लूड पर दोनों ही डिपेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे आगे जो है, जो यहाँ पे रिजर्व रोक पे डिपेंड कर रहा था, आज वो ट्यूबिंग के साइज वगैरह पे डिपेंड कर जाएगा। कैसे, जरा जल्दी से देखते हैं। उसने कहा कि ये भी फ्लूड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता था और ये भी फ्लूड की प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करेगा, ये तो रहेगा कॉमन। लेकिन यहाँ पे रिजर्वोर में चल रहा था तो रिजर्वोर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड, और ये कहाँ चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है, ट्यूबिंग में चल रहा है, तो ट्यूबिंग में फ्रिक्शन होंगे, ट्यूबिंग साइज होगा, ट्यूबिंग में रेस्ट्रिक्शन होंगे, ट्यूबिंग की रफनेस कितनी है, तो आप लोगों के जो कंप्लीशन है, जो वेल आपने कंप्लीट किया है उसकी प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा। तो आप लोगों का जो फ्लूड की प्रॉपर्टी है वो तो दोनों में ही कॉमन है, क्योंकि फ्लूड तो जा ही रहा है ना भाई दोनों में ही। लेकिन ये रिजर्वर में जा रहा है तो रिजर्वर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड होगा आईपीआर कर्व, ये ट्यूबिंग से जा रहा है तो ट्यूबिंग की प्रॉपर्टी पे डिपेंड होगा वीएलपी कर्व। इतनी बात समझ गए आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, तो देखिए मैंने कुछ यहाँ पे दिखा दिए हैं कि प्रेशर ड्रॉप जो आपके होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे सर क्या क्या चल रहा है ना भाई, लग रहा होगा ठीक तो लग रहा है, लेकिन आप नोडल की बात नहीं कर रहे भाई, नोडल पे जाएंगे मेरे भाई, बस थोड़ा सा सुकून और थोड़ा सा सबर रख लो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, चीजें देखना। ये रिजर्वर का प्रेशर है, रिजर्वर का प्रेशर है, और ये आपका वेल कंप्लीशन का प्रेशर है, और ये आपका वेल बॉटम होल प्रेशर है। बात समझ आ रहा है, तीन प्रेशर मैंने दे दिए कि यहां से यहां तक आपका एक प्रेशर ड्रॉप हो गया, जिसको मैंने डेल्टा पी1 बोल दिया, यानी डेल्टा पी रिजर्वर माइनस ये, यानी कि लॉस इन रिजर्वर। ठीक है, रिजर्वर में लॉस कितना हुआ, दूसरा लॉस जो आपने परफोरेशन वगैरह किया है, यहां से लेके यहां तक आपका जो लॉस हुआ है, यानी कि वेलबोर के जस्ट उस वाले कोने के से, उस वेलबोर के उस तरफ से लेके वेलबोर के इस तरफ जो आपका लॉसेस हुआ है, इसको मैंने बोल दिया लॉस इन कंप्लीशन, कि जो आपने नीचे इक्विपमेंट वगैरह लगा रखे हैं, वेल को कंप्लीट कर रखा है फॉर द प्रोडक्शन, वो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा लॉस होंगे, वहां पे बहुत सारे डिवाइस लगे हुए हैं, वहां पे कंप्लीशन लगे हुए हैं, वहां पे परफोरेशन हो रखे हैं, परफोरेशन अच्छे हो रखे हैं बुरे हो रखे, उन पे डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब दो प्रेशर लॉस हो गए आप लोगों के, कि रिजर्वर से वेल के आसपास तक पहुंचने में जितना प्रेशर लगा तो वो तो हो गया रिजर्वर का लॉस, दूसरा वेलबोर के इस कोने से लेके वेलबोर के अपने वाले कोने तक आने में जितना लॉसेस हो रहा है, ये हो गया आपका कंप्लीशन लॉस। बहुत बढ़िया, इसको मैंने पीडब्ल्यूएफ बोल दिया, इसको पीडब्ल्यूएफ बोल दिया, इसको पीडब्ल्यूएफएस बोल दिया। ठीक है, अब फिर एक प्रेशर लॉस यहां से यहां तक भी होगा मेरे भाई, होगा क्या, है ना, जो कि सबसे ज्यादा होता है। इतना लॉस यहां से यहां नहीं होगा, इतना लॉस यहां से यहां तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत कम होगा, यहां से यहां बहुत लॉस होगा। क्यों, क्योंकि आपको क्या क्या क्यों होगा भाई, जरा बताना जरा कितने लॉसेस होंगे यहां से यहां तक, कितने लॉसेस होंगे, काइनेटिक लॉस होंगे, पोटेंशियल लॉस होंगे, फ्रिक्शन लॉसेस होंगे। और आप लोगों को आप देख रहे होंगे, अगर मैं सिंपली कोई ऐसे नॉर्मल बंदा भी अगर देखेगा कि कहाँ लॉसेस होंगे भाई, इसको उठाना पड़ रहा है यार, इसको उठाना पड़ रहा है, तो आप लोग देखोगे मेरा बहुत लॉस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो लगभग मैं आपको बोलूँ कि 80% लॉस मेरे जो होते हैं वो ट्यूबिंग में ही होते हैं, सबसे लॉस में ट्यूबिंग में होते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखोगे यहाँ का प्रेशर अगर 500, यहाँ का 200 है, तो आपका लॉस कितना हो गया मेरे भाई, 300 लॉस हो गया। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, लॉस इन ट्यूबिंग, यानी कि डेल्टा P3, यानी कि डेल्टा P3। ठीक है, डेल्टा P1 रिजर्वर, डेल्टा P2 कंप्लीशन लॉस, डेल्टा P3 ट्यूबिंग लॉस, दूसरा लॉस समझ, चौथा लॉस, इनफैक्ट चौथा लॉस क्या होगा, यहां से यहां तक सेपरेटर तक जाने में भी तो कुछ लॉस होगा, ये ट्यूबिंग है, यहां से फिर ये आगे फ्लो लाइन है, ध्यान रखना फ्लो लाइन और ट्यूबिंग जब भी बोलूंगा तो आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि ये फ्लो लाइन है, ये ट्यूबिंग है, समझ रहे हो। तो ट्यूबिंग में भी लॉस होगा और फ्लो लाइन में भी लॉस होगा, जिसको मैं ये बोल रहा हूं, और ये लॉस कितना होगा, जितना प्रेशर यहां है जितना यहां पे है, प्रेशर यहां प्रेशर 500, यहां 200, तो फ्लो लाइन में जो प्रेशर ड्रॉप हुआ वो 300 का हुआ। तो बात समझ रहे हो, तो ये मेरा फ्लो लाइन में प्रेशर ड्रॉप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बोलूं कि सर टोटल प्रेशर लॉस कितना हुआ होगा, भाई टोटल रिजर्वर का प्रेशर लॉस अगर यहां पे 2000 था और यहां पे पहुंचते आप लोगों का 200 ही बचा, कुछ लॉस यहां हुआ, कुछ यहां हुआ, कुछ यहां हुआ, कुछ यहां वगैरह वगैरह, बात समझ रहे हो। तो टोटल प्रेशर लॉस कितना हो गया भाई, 2000 में से वहां पे 300 ही बचा, तो यानी कि 1700 प्रेशर लॉस आपका हुआ होगा। तो ये मेरे हो गया टोटल प्रेशर लॉस, मतलब रिजर्वर माइनस सेपरेटर, रिजर्वर माइनस सेपरेटर, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों वाली बात थी, है ना भाई। ठीक है, चलें आगे देखें, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
अब मैंने आपको बोला था कि आप कहाँ कहाँ नोड एनालिसिस ले सकते हो, आप कहाँ कहाँ नोड पॉइंट ले सकते हो, बात समझना। मैंने कहा देखिए कि आप कहाँ कहाँ नोड पॉइंट ले सकते हो, आप लोग सेपरेटर को नोड पॉइंट बना सकते हो, आप लोग सब सरफेस चौक को नोड पॉइंट बना सकते हो, सॉरी सरफेस चौक को, सरफेस चौक है आपकी, आप लोग वेल हेड को नोड पॉइंट बना सकते हो, आप सेफ्टी वॉल को नोड पॉइंट बना सकते हो, आप कोई रेस्ट्रिक्शन अगर लग रहा है वो नोड पॉइंट बना सकते हो, आप PWF को नोड पॉइंट बना सकते हो, आप PWFS मतलब इस वेल के जस्ट इस तरफ वाली बात यानी कि सातवा है ना, इसको आप नोड पॉइंट बना सकते हो, आप रिजर्वर को नोड पॉइंट बना सकते हो, समझ रहे हो। तो आप लोग बहुत इसको भी नोड पॉइंट बना सकते हो, इसको नोड पॉइंट बना सकते हो, तो आप लोग हर एक कंपोनेंट डिसाइड करने के लिए आप किसी को भी नोड पॉइंट बना सकते हो, बस बसरते नोड पॉइंट से फ्लूड आना भी चाहिए और जाना भी चाहिए, बात समझ रहे हो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये नोड पॉइंट बना सकता हूँ, लेकिन बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नोड पॉइंट लेता हूँ, जो आपके कॉमन नोड पॉइंट हैं वो आपके हैं ये वाले, या तो आप ये वाला नोड पॉइंट लेते हो, जैसे आपने PWF का तो ग्राफ लास्ट लेक्चर में देखे भी थे, है ना, हाँ इनफैक्ट आज भी देख लेंगे दोबारा अगर कुछ होगा तो ये एक नोड पॉइंट हो गया, आप यहाँ पे नोड पॉइंट ले सकते हो वेल हेड वाला, एक आप लोग सब सरफेस ये वाला नोड पॉइंट ले सकते हो, है ना, नोड पॉइंट आपका ये हो गया प्रेशर सब सरफेस सेफ्टी वॉल, ठीक है, ये हो गया ना भाई, देखो सब सरफेस सेफ्टी वॉल, ठीक है, ये ले सकते हो PSSV, कोई दिक्कत, और आप लोग ज्यादातर चौक भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ वो वाले नोड, ये वाले नोड ज्यादा काम के नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो नोड है वो आपके यही होते हैं, वेल हेड, सब सरफेस सेफ्टी वॉल और PWF, बात समझ रहे हो, ठीक है, चले आगे देखें आगे। अब आप कहोगे सर कैसे डिजाइन करते हैं, जरा वो तो बता दो, अभी आपने कहानी तो बता दी हम लोगों को, अब आप मुझे बता दो कि कैसे डिजाइन करते हैं अपने, कैसे डायमीटर सेट करते हैं, कैसे गैस लिफ्ट वेल वॉल सेट करते हैं वगैरह वगैरह। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम बात करते हैं कि नोडल एनालिसिस बात करते हैं। अभी तक हमने नोडल एनालिसिस की पूरी कहानी पढ़ ली है, कैसे कैसे चीजें हो रही है, मतलब एक मूवी बन चुकी है ना, अब मूवी का एंड देखना है हम लोगों को, है ना, मूवी का मेन पार्ट देखना है, क्योंकि मूवी बन गई, हम लोगों ने कैरेक्टर देख लिए, कौन उसका हीरो का पापा है, कौन उसकी माँ है, कौन उसका भाई है, समझ रहे हो ना, कौन विलन है, तो वो सब चीज देख लिए, अब उनका देखते हैं कि वो कैसे आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब बात समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि जैसे मैंने आपको ये बोल दिया कि नोड पॉइंट पे आपका कोई भी नोड हो, मान के चलिए ये आपका वेलबोर है और यहाँ पे PWF में बोल रहा हूँ और ये आपका वेल हेड है, बहुत बढ़िया वेल हेड है, फ्लूड आपका ऐसा जा रहा है, तो मान के चलो आपने कोई भी नोड पॉइंट ले लिया, ये ले लिया सब सरफेस सेफ्टी वॉल ले लिया, पी ले लिया, ये ले लिया, कोई भी आपने नोड पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे मैं प्रेशर लिख रहा हूँ ना, वो नोड पॉइंट का ही लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे प्रेशर एट नोड लिख रहा हूँ, है ना। अब जैसे आप कहोगे सर यहाँ पे तो प्रेशर PWF होता था, है ना, यहाँ पे PWF होता था, है ना भाई क्यों होता था, क्योंकि आप लोग नोड पॉइंट जो है वो PWF लेके चल रहे थे, और हालांकि उस टाइम मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया था, क्यों, अगर मैं उस टाइम भी नोड बोलना शुरू कर देता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, बात समझ रहे हो, लेकिन टाइम पे चीजें आएंगी भाई, मूवी ऐसे होती, ऐसी तो होती है, आप मूवी में शुरू में ही चीजें दिखा दोगे तो फिर कैसे बैठेगी पब्लिक थिएटर में, बात समझ रहे हो, 3 घंटे रोक के भी तो बैठना है, तो इसलिए वो क्या करेगा, टाइम पे ही चीजों को दिखाएगा, है ना, कई बार क्या सस्पेंस वाली मूवी में कुछ चीजें बाद में दिखा देता है, हालांकि वो घटना पहले हो चुकी होती है, फिर वो दिखाएगा पीछे देखिए ऐसे हुआ होगा, है ना भाई, समझ रहे हो ना, तो चीजें ऐसे होती है, तो नोड में इसलिए वहां पे जिक्र नहीं किया था, बस PWF की बात करके बातें कर लेती है, और मैंने आपको बोला था कि जो PWF है इसके बीच हम लोग ग्राफ बना देते हैं, इसके बीच ग्राफ बना देते हैं, है ना, और आप लोगों का ये फ्लो रेट होता है, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे नोड पॉइंट ये ले लिया है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो अब हमेशा नोड, देखिए बात समझना, नोड पे जो फ्लूड आ रहा है उसका कर्व हमेशा ऐसे बनेगा, बोला ना, इनफ्लो टू नोड, जो नोड पे पॉइंट आ रहा है उसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, और नोड से जो फ्लूड जा रहा है उसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता था, जब मैं ये PWF लेता था तो फ्लूड ऐसे आ रहा था रिजर्वर का, तो ये ऐसे बन जाता था, और यहां से चीजें जा रही थी वैसे बन जाता था, बात समझ रहे हो। अगर आप फ्लूड या नोड यहां ले लोगे तो जो फ्लूड यहां पे आएगा उसका ये बनेगा, और जो यहां से जाएगा उसका ये बनेगा, बात समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि हर बार आपका यहां से यहां फ्लूड आने वाला ही ऐसा बनेगा, नहीं, जहां नोड आपका पॉइंट है उस पे पूरा आने वाला फ्लूड यहां पे यहां पे यहां पे ऊपर तक का वो आपका ये वाला ग्राफ है, यहां से फिर जाने वाला वो आपका ये ग्राफ है। तो कहने का मतलब हर बार आपका इनफ्लो और आउटफ्लो बनेंगे ही बनेंगे, और वो आपको देंगे कि कितनी कैपेसिटी से फ्लूड आपका प्रोडक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा दिमाग में आ गया, अब इसीलिए मैं यहाँ पे PWF लिखना नहीं पसंद करता, क्यों, क्योंकि हो सकता है आपका नोड पॉइंट बदल गया हो सकता है आपने नोड यहाँ पे ले लिया हो, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे पी वेल हेड लिखना पड़ेगा, हो सकता है आपने यहाँ पे सब सरफेस पे ले लिया हो तो आप लोगों को यहाँ पी सब सरफेस सेफ्टी वॉल लिखना पड़ेगा, बात समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना जा रहा हूँ। तो इसलिए वहाँ पे PWF लिखना हर बार अकलबंदी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका नोड कुछ और हो,
ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आईपीआर अगर बोला जाता है तो हमें पीडब्ल्यूएफ ले लिया जाता है। लेकिन हाँ, चीजें चेंज हो सकती हैं, ये दिमाग में कहीं ना कहीं रखिएगा कि चीजें चेंज हो सकती हैं। वो नहीं कर रहा बात, उसकी बात नहीं कर रहा, वो चेंज नहीं करना चाह रहा, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कर सकता है, ये बोल रहा हूं, समझ रहे हो। चलिए, तो ये वाली बात क्लियर होगी। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, मान के चलो आपका कोई नोडल पॉइंट है, मान के चलो कि आपका कोई नोडल पॉइंट है, और मैंने बोल दिया कि अगर नोड पॉइंट इज बॉटम ऑफ द वेल है, मतलब सर मैं समझानी, अगर ये आपका वेल बोर है और आपका नोड पॉइंट जो है आपका बॉटम होल ऑफ द वेल है, यानी कि बॉटम होल ऑफ द वेल है, और ये आपका वेल हेड है, और यहां से आपका फ्लोइंग जा रहा है, ये फ्लो लाइन है, ठीक है, और ये आपका ट्यूबिंग है, यहां से आपका रिजर्वर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है, सही है। तो अब उसने बोला कि अगर इस वाले पॉइंट की मैं बात करूं तो मैं ग्राफ में क्या क्या चेंजेस करूंगा, तो मैं ग्राफ में क्या बनाऊंगा मेरे भाई, मैं बनाऊंगा यहां पे, जब आपने ये वाला पॉइंट नोड ले लिया तो यहां पे पीडब्ल्यूएफ ले लूंगा और यहां पे फ्लो रेट लूंगा ही लूंगा, कोई दिक्कत। और आई वाला इनफ्लो वाला यहां से फ्लूड आ रहा है तो ये आईपीआर बनेगा, यहां से जा रहा है तो ये वेल भी बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर ये वाला नोडल पॉइंट है तो ये मैंने ले लिया पीडब्ल्यूएफ, बात समझना, ये मैंने ले लिया पीडब्ल्यूएफ, बहुत बढ़िया, पीडब्ल्यूएफ ले लिया। अब पीडब्ल्यूएफ कैसे बनेगा, बात समझना, यहां का रिजर्वोयर प्रेशर अगर 500 है, यहां का रिजर्वोयर प्रेशर 500 है, और यहां से आते आते कुछ लॉस हो जाएगा, लगभग लॉस जो आपका हुआ डेल्टा पी रिजर्वोयर जो लॉस हुआ वो आपका 200 हो गया, तो पीडब्ल्यूएफ कितना बचेगा मेरे भाई, 300। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग ये लिख सकते हो क्या, पी रिजर्वोयर माइनस डेल्टा पी रिजर्वोयर के अंदर, यानी कि लॉस इन रिजर्वोयर के अंदर जितने होंगे वही मेरा डेल्टा पीडब्ल्यूएफ होगा। तो साफ साफ बोल दिया ना मेरे भाई, रिजर्वोयर में से डेल्टा पी लॉस हटा दिया और वो पीडब्ल्यूएफ बन गया। किसके लिए बना, वो इनफ्लो के लिए बना, यहां से फ्लो आ रहा है ना, तो इनफ्लो इक्वेशन ये बन गई। तो आज जब आपका नोड पॉइंट बॉटम होल वेल पे था तो उसके लिए आपकी इनफ्लो इक्वेशन ये बनेगी, और इसी के लिए आउटफ्लो इक्वेशन क्या बनेगी बताना जरा भाई। ये पीडब्ल्यूएफ किस किस को प्रेशर देगा, ये वाला पीडब्ल्यूएफ, बात समझना, ये पीडब्ल्यूएफ किस किस के लिए प्रेशर देगा, ये इस ट्यूबिंग में जो लॉस होगा उसको भी प्रेशर देगा, है ना, ट्यूबिंग में जो लॉस हो रहा है, प्लस बात समझना, ये आपका ट्यूबिंग में दे रहा है, फिर ये आपका फ्लो लाइन में भी दे रहा है, ये आपका फ्लो लाइन में जो लॉस हो रहा है उसको भी दे रहा है, और फिर ये आपका जो सेपरेटर में जाके प्रेशर है, वो जो सेपरेटर पे जिस प्रेशर से धक्का मार रहा है भाई, यहां से प्रेशर लगा, यहां से प्रेशर लगा, फिर वो सेपरेटर में भी प्रेशर दे रहा है, तो वो प्री सेपरेटर। तो यानी कि इस वेल हेड ने कितना कितना प्रेशर दिया, इसको दिया और सेपरेटर को दिया, यानी कि सेपरेटर फ्लो लाइन में चेंजेस, देखिए डेल्टा लगा हुआ है, और ट्यूबिंग में चेंजेस, यानी कि ड्रॉप, वो भी डेल्टा लगा हुआ है, तो ये आपका पीडब्ल्यूएफ। तो पीडब्ल्यूएफ के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आई आने वाला बनाया, जाने वाला बनाया, समझ रहे हो। तो इसलिए इनफ्लो इसकी ये बन गया, यानी कि पीडब्ल्यूएफ में आया किस हिसाब से, और आउटफ्लो में इसका ये कि PWF से गया किस हिसाब से, है ना भाई। अगर मैं नोड ये ले लेता तो मैं क्या करता, इस नोड पे आया किस हिसाब से और इस नोड से गया किस हिसाब से, बात समझ रहे हो। तो हर बार हर एक नोड के हिसाब से आपकी इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वेशन बदल जाती है। तो इसलिए जो ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी है, ये लिखी है जब नोड पॉइंट आपका बॉटम होल पे ही हो, तब मैंने इक्वेशन लिखी है, कोई दिक्कत वाली बात। अगर मैं नोड आपका बदल दूंगा तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो की इक्वेशन भी बदल जाएगी। तो बात आपकी समझ गई होंगी, है ना, अब बात समझ गए होंगे ना भाई, ठीक है। और आप लोग देख रहे होंगे कि जो पीडब्ल्यूएफ है दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का नोड पॉइंट ही यही है, है ना भाई। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के साथ दोबारा से, क्या देखिए ये इक्वेशन वही है क्या जो मैंने यहां पे लिखी थी, बिल्कुल। क्या लिखा था यहां पे, नोड पॉइंट बॉटम ऑफ द वेल, बिल्कुल। वहां पे क्या लिखा हुआ है, नोड पॉइंट इज बॉटम ऑफ द वेल है, बॉटम ऑफ द वेल, ये वेल हेड, इफ द नोड पॉइंट इज वेल हेड, ये वेल हेड, इसका वेल हेड इधर आ गया, है ना। चलिए इसको हटा देते, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ यहां पे, इफ नोड पॉइंट इज बॉटम ऑफ द वेल, यहां पे क्या लिखा हुआ था, नोड पॉइंट इज बॉटम ऑफ द वेल, तो यानी कि इक्वेशन ये वाली और ये वाली तो लगभग सेम ही है, सेम क्या है, वही है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट उसने कहा, नोड पॉइंट ऑफ द वेल, नोड पॉइंट इज वेल हेड, अगर आपका नोड पॉइंट वेल हेड हो तो देखिएगा इस इक्वेशन को दोबारा से देखिएगा, सपोज दिस इज योर वेल हेड, बहुत बढ़िया, दिस इज योर वेल हेड, यहां से फ्लो लाइन आपकी जा रही है और ये सेपरेटर में आपकी जा रही है, इसको फ्लो लाइन बोल देता हूं, और यहां से आपका रिजर्वोयर प्रेशर है और ये प्रेशर ड्रॉप आपका रिजर्वोयर के अंदर हो रहा है और ये आपका पीडब्ल्यूएफ है, है ना। तो नोड पॉइंट आज आपने कौन सा ले लिया भाई, आपने नोड पॉइंट मेरे भाई ले लिया, नोड पॉइंट आपने ले लिया ये वाला नोड पॉइंट आपने ले लिया वेल हेड, उसके लिए बात कर रहा हूं, है ना। तो इसके इस पे आने वाली इक्वेशन कौन सी होगी, इस पे आने वाली इक्वेशन कौन सी होगी, इस पे आने वाली इक्वेशन होगी इनफ्लो इक्वेशन जो उसकी होगी, वो होगी कि रिजर्वोयर में कितना प्रेशर था यहां से, माइनस रिजर्वोयर में कितना लॉस हो गया, देखना यहां पे कितना
प्रेशर पहुंचेगा, इनफ्लो मतलब यहाँ पे कितना प्रेशर पहुंचेगा भाई। यहाँ पे अगर 2000 था तो कुछ सौ रिजर्वायर में लॉस हो गया होगा, 300-400 का, सपोज 300 का हो गया तो यहाँ 1700 पहुंचा, 1700 के बाद कुछ ट्यूबिंग में हो गया होगा जो कि सबसे ज्यादा लॉस हुआ होगा, यानी कि 1000 का मान लो, तो यहाँ पे कितना पहुंचा होगा 700। तो आप लोगों का रिजर्वायर में से, आपका रिजर्वायर प्रेशर में से, रिजर्वायर में प्रेशर में, रिजर्वायर में कितना ड्रॉप हुआ वो, और ट्यूबिंग में कितना ड्रॉप हुआ वो, इक्वल टू पी वेल हेड। तो आने वाली इक्वेशन इसकी अलग बनी है जो कि इसकी अलग बनी थी, बात समझ रहे हो, इसकी अलग बनी थी। तो इसमें इसमें मेरा ये ऐड हो गया ट्यूबिंग प्रेशर, तो ये वेल हेड के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इनफ्लो, अब इसकी आउटफ्लो इक्वेशन अलग थी क्योंकि यहाँ पे जो आपका नोड पॉइंट था वो अलग था, यहाँ पे नोड पॉइंट अलग है, तो इसकी आउटफ्लो इक्वेशन क्या बनेगी वो देख लीजिएगा, है ना। इनफ्लो इक्वेशन में बहुत गेट में क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाई, कैसे अभी देखना। अब मैंने ये बना तो इसका आउटफ्लो क्या होगा, तो वेल हेड प्रेशर किस किस को दे रहा है प्रेशर, देखिए ये किस किस से ले रहा है वो मैंने यहाँ पे देखा, अभी किसको वो मैं देखने जा रहा हूं। तो वेल हेड प्रेशर मतलब ये मेरा फ्लो लाइन में कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, मतलब प्रेशर ड्रॉप फ्लो लाइन में कितना हो रहा है, प्लस सेपरेटर में फिर भी कितना जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 700 है, फ्लो लाइन में कितना हुआ, 500 प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो 200 प्रेशर सेपरेटर पे भी मिल जाएगा, तो सेपरेटर ये बन गया, कोई दिक्कत वाली बात। तो इसकी आउटफ्लो इक्वेशन अलग, इसकी आउटफ्लो इक्वेशन अलग, बिकॉज द नोडल पॉइंट इज डिफरेंट इन बोथ सिचुएशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। तो फील आ गया, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, इनफैक्ट रटने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, अपनी मेन कहानी पे, कि किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करेंगे, किस तरीके से चीज़ों को देखेंगे। अब सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, इफ नोड पॉइंट इज बॉटम ऑफ द वेल, मतलब अब मैं जितने सारे ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा वो सारे दिखाऊंगा पहले इस सिचुएशन पे, ठीक है, इस सिचुएशन को। तो इस सिचुएशन को मैं पहले कई बार यूज करूंगा डिफरेंट डिफरेंट अपने कॉम्पोनेंट को डिसाइड करने में, भाई देखना ये नोड पॉइंट, मतलब बिल्कुल फील करना चीज़ों को, ये नोड पॉइंट और ये नोड पॉइंट, ये आपका वेल हेड नोड पॉइंट है, ये आपका क्या है पीडब्ल्यूएफ नोड पॉइंट है। तो दोनों के नोड पॉइंट जो मेरे हैं, दोनों के जो नोड पॉइंट है, इस वाले नोड पॉइंट की अगर मैं बात करूं वेल हेड यानी कि पीडब्ल्यूएफ फ्लोइंग वेल हेड फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर, इस वाले इसको मैं नोड पॉइंट ले लिया। अब इस नोड पॉइंट को लेके मैं कितनी चीजें डिसाइड कर सकता हूं, ट्यूबिंग साइड डिसाइड कर सकता हूं और बहुत दो तीन चीजें डिसाइड कर सकता हूं, तो वो मैं कौन-कौन सी चीजें डिसाइड कर सकता हूं वो मैं अब दिखाने वाला हूं। तो कहने का मतलब है इसी पॉइंट को लेके मैं दो तीन चीजें डिसाइड करूंगा, समझ रहे हो, और फिर इस पॉइंट को लेके भी मैं दो तीन चीज डिसाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैंने वो पॉइंट ले लिया, ठीक है, क्या है, इफ नोड पॉइंट इज बॉटम ऑफ द वेल, बॉटम ऑफ द वेल, ये वेल हेड नहीं है भाई, वेल हेड यहां से आया मेरे भाई, यार ये बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये क्या होता है जब हम लोग अपने पैनल पे डालते हैं चीजों को तो वो इधर शिफ्ट हो जाती है, तो कई बार हो जाता है, तो मैंने वेल हेड लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां से वेल हेड काट दिया है ना, वो वहां से वेल हेड यहां पे आ गया, बस इतना समझो ना यार भाई। इफ नोड पॉइंट इज बॉटम ऑफ द वेल, ये इतनी लाइन लिखी हुई है, और यहां पे इफ नोड पॉइंट इज नोड पॉइंट इज वेल हेड, ठीक है, वेल हेड आपका नोड पॉइंट है, वहां पे बॉटम ऑफ द वेल नोड पॉइंट है, तो मैं बॉटम ऑफ द वेल नोड पॉइंट के हिसाब से चीजें डिसाइड करूंगा, क्या क्या, पहला पॉइंट इफ नोड पॉइंट इज बॉटम ऑफ द वेल, आगे देखूंगा और चीजें क्या क्या डिसाइड कर सकता हूं, देखना इफ नोड पॉइंट बॉटम ऑफ द वेल, ये भी बॉटम ऑफ द वेल पे ही के ही बेस पे चीजें डिसाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखूंगा इफ नोड पॉइंट बॉटम ऑफ द वेल, वही चीज फिर दोबारा से कुछ और डिसाइड कर रहा हूं, नोड पॉइंट आपका बॉटम पे ही है, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये फिर आपका बॉटम पे ही है, फिर नेक्स्ट पॉइंट फिर नोड पॉइंट वेल हेड, फिर वेल हेड को नोड पॉइंट मान के कुछ और डिसाइड करूंगा। तो इसीलिए मेरे भाई ध्यान से सुनना, आराम से बैठ जाओ, कहानी सुनते जाना, बहुत मजा आने वाला है। पहला पॉइंट हो गया आपका इफ नोड पॉइंट, अगर नोड पॉइंट आपका बॉटम होल पे है तब मैं क्या क्या चीजें डिसाइड कर सकता हूं, जरा देखिएगा, ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले मुझे, मैंने क्या किया कि मुझे सेलेक्ट करना है ऑप्टिमम ट्यूबिंग साइज, है ना, ऑप्टिमम ट्यूबिंग साइड डिसाइड मुझे करना है, इसको उठाओ, ठीक है, ऑप्टिमम ट्यूबिंग साइड डिसाइड करना, ये बात आपने कर रखी है, जिसने आईपीआर वीएलपी का लेक्चर मेरा देखा हुआ है मल्टीफेज के टाइम पे, मैंने ये हालांकि बता दिया था, लेकिन और उसको इलेबोरेट करूंगा और उसमें फील डालूंगा, देखना जरा कैसे भाई, समझना, जिसने पता है जिसको वो भी देखो कुछ नया मिलेगा, जिसको नहीं पता उसको तो चीजें नए मिलने ही वाली है, बात समझना। मैंने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो, नोड पॉइंट आपका बॉटम के वेल पे है, यानी कि बात समझना, ये आपका वेल है और ये आपका PWF है भाई, ये आपका PWF है, है ना, PWF है और ये आपका नोड पॉइंट है, और ये आपका क्या है मेरे भाई, ये बोलते नहीं भाई, तुम लोग बोलते ही तो नहीं हो क्या, ये आपका वेल हेड है, ठीक है, यहां से फ्लो लाइन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि
इस वाले वेल्बो आपका नोड पॉइंट ये है, तो यानी कि यहां से आने वाला इनफ्लो कर्व बनाओ, इनफ्लो कर्व बनाओ, ये हो गया रिजर्वोयर, ये हो गया वेल्बोर, तो मेरा क्या होगा इनफ्लो कर्व, ये यहां से प्रेशर जो है और यहां से जितना ड्रॉप हुआ ये आपका पीडब्ल्यूएफ हो गया, तो यानी कि यहां का पीडब्ल्यूएफ रिजर्वोयर में से रिजर्वोयर माइनस प्रेशर ड्रॉप, रिजर्वोयर का प्रेशर ड्रॉप माइनस करके पीडब्ल्यूएफ बन गया, ये इक्वेशन आपको पता है। अब यार पता है ना भाई, यहां देखी तो थी, यहां देखी तो थी, यहां पर भी देखी थी यार, यहां पर भी देखी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अब इसकी आउटफ्लो इक्वेशन बनाओ, आउटफ्लो इक्वेशन मतलब पी वेल हेड किस किस को प्रेशर देगा, ट्यूबिंग में कितना लॉस हुआ, फ्लो लाइन में कितना लॉस हुआ और सेपरेटर में कितना प्रेशर गया, यानी कि पीडब्ल्यूएफ आपका सेपरेटर, फ्लो लाइन और ट्यूबिंग दोनों में लॉस की बात कर रहा हूं, जहां डेल्टा होता है वहां लॉस की बात होती है, जहां बिना डेल्टा वाली बात है वहां पे प्रेशर उसी पॉइंट का होता है। जैसे यहां पे डेल्टा लिखा हुआ तो पी रिजर्वर में कितना लॉस हुआ वो, यहां पे पी रिजर्वर लिखा हुआ यानी कि रिजर्वर का प्रेशर वाली कितनी, प्रेशर रिजर्वर प्रेशर कितना है और लॉस कितना है, तो डेल्टा मतलब लॉस वाली बात है, कोई दिक्कत, हटाएंगे ठीक है। अब मुझे बताओ कि जैसे ही मैं अपने ट्यूबिंग में चेंज करता हूं, देखिए मैं क्या डिसाइड कर रहा हूं, सेलेक्ट कर रहा हूं इस वाले नोड से सेलेक्ट क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ऑप्टिमम ट्यूबिंग साइज कर रहा हूं, तो मेरे यहां से यहां आने में कोई चेंजेस होंगे क्या, नहीं, यहां से यहां जाने में कोई प्रॉब्लम होगी क्या, हाँ। तो जब आपका ट्यूबिंग साइज घटे बढ़ेगा तो आप लोगों का यहां पर ट्यूबिंग में होने वाला लॉस में चेंजेस होंगे क्या, यहां से रिजर्वोयर में कोई चेंजेस होंगे क्या, नहीं, रिजर्वोयर में कोई प्रेशर लॉसेस चेंज होंगे क्या, नहीं, ये चेंजेस जो हो रहे हैं ये इनफ्लो में हो रहे हैं या यहां से आउटफ्लो में हो रहे हैं, आउटफ्लो में हो रहे हैं, क्योंकि ट्यूबिंग के साइज बदलने से आउटफ्लो में चेंजेस होंगे या इनफ्लो में चेंजेस होंगे, सर आप बोलोगे सर आउटफ्लो में होंगे भाई, है ना, बिल्कुल होंगे यार, क्यों घबरा के क्यों बोल रहे हो भाई, आराम से बोलोगे, दिक्कत नहीं है। इस वाले पॉइंट से बात समझना, इस वाले पॉइंट से यहां पे चीजें आ रही हैं, ये हो गया इनफ्लो, तो आईपीआर में कोई चेंजेस नहीं होगा। इस वाले पॉइंट से जब चीजें जाएंगी यानी कि आउटफ्लो यानी कि वीएलपी कर्व, उसमें चेंजेस होगा, क्यों, क्योंकि आप लोग देखोगे आप ट्यूबिंग के डायमीटर में चेंजेस कर रहे हो, और ट्यूबिंग के डायमीटर में चेंजेस कर रहे हो तो आप लोग डेल्टा प्रेशर लॉस जो ट्यूबिंग में है वो बदलेगा, तो ये जो सम होगा जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरा पीडब्ल्यूएफ बदल जाएगा, बात समझ रहे हो। तो अभी बात कर लेते हैं भाई, थोड़ा दिमाग से, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा एक तरीके से पेशेंस रख के चीजों को देखिए, क्योंकि यही चीजें मैं 10 बार करने वाला हूं, यही चीजें मैं बार बार करने वाला हूं, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, हर बार उतनी ही इफिशियंसी से बताऊंगा, हर बार उतनी ही लाइनें बोलूंगा जितनी लाइनें पहले बार बताने में बोल रहा हूं, क्यों, कई बार हो सकता है कि आपके समझ में ना आया हो, है ना। चलिए बात कर लेते हैं, मुझे यह बताओ कि इनफ्लो इक्वेशन में चेंजेस होंगे या आउटफ्लो इक्वेशन में चेंजेस होंगे, आपके दिमाग में आए कि सर अगर आप ट्यूबिंग साइड डिसाइड कर रहे हो ना, तो आप लोग ट्यूबिंग साइड डिसाइड कर रहे हो तो ट्यूबिंग के डायमीटर में चेंजेस कर करके देखोगे तो इस वाले इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, इस वाले इक्वेशन में चेंजेस होंगे, तो आप लोग देखोगे इनफ्लो इक्वेशन जो आईपीआर वाली इक्वेशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो एक ही इक्वेशन बनेगी, वो एक ही लाइन बनेगी, लेकिन आपकी आउटफ्लो इक्वेशन जो है वो बार बार अलग अलग बनती चली जाएंगी, क्यों, क्योंकि उस वाले इक्वेशन में चेंजेस हो रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा पहले आपने डायमीटर, बस ना, पहले आपने डायमीटर 6 कर दिया, ठीक है, डायमीटर 6 किया तो मुझे पता है फ्रिक्शन लॉसेस का फॉर्मूला, मुझे बिल्कुल पता है भाई डेल्टा पी फ्रिक्शन लॉसेस का फॉर्मूला FM और ये आपका रो वी स्क्वायर अपॉन 2DG, यही तो था ना। तो जैसे आप डायमीटर बढ़ाओगे, पास में ना, जैसे आप ट्यूबिंग का डायमीटर बढ़ा दोगे तो डायमीटर बढ़ने से आपका फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस कम हो जाएंगे, तो ये लॉसेस आपके कम हो जाएंगे, ये लॉसेस आपके कम हो गए यानी कि ट्यूबिंग में प्रेशर ड्रॉप कम हो गया तो पीडब्ल्यूएफ की वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि ये इसमें जुड़ेगा। अब ये जुड़ के जब ये कम जुड़ा तो वो वैल्यू कम होगी, बात समझ रहे हो ना। अगर ये वैल्यू 10 थी, ये वैल्यू 5 थी, ये वैल्यू 4 थी, तो ये हो गया 10, 5, 19, लेकिन जब आपने देखा कि डायमीटर आपने बढ़ा दिया है, डायमीटर बढ़ाने पे फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस कम हो गए हैं, तो आप लोग ट्यूबिंग में प्रेशर ड्रॉप आपके सिर्फ 4 के बजाय 2 हो जाएंगे, तो आज आपका 10, 5, 15, 2, 17 ही वैल्यू आएगी, यानी कि पीडब्ल्यूएफ की वैल्यू डायमीटर बढ़ने से 17 हो जाएगी, पहले 19 थी यानी कि घट जाएगी, बात समझ रहे हो, यानी कि घट जाएगी, बात समझ रहे हो बिल्कुल। तो आप लोग देखोगे कि अगर 6 के टाइम पे आपका वीएलपी कर्व यहां था, और आप लोग मुझे बताइए अब मैं जो नया वीएलपी कर्व बनाऊंगा इसके इधर बनाने से आप लोगों का पीडब्ल्यूएफ घट जाता है, जो यहां पे पहले ज्यादा था वो घट जाता है, अगर मैं इसके इधर बनाता हूं तो पीडब्ल्यूएफ जो पहले था उससे बढ़ जाता है,
क्योंकि प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मुझे पीडब्ल्यूएफ क्या करना है, घटाना है, तो आईपीआर कर आपको इस वाले कर से नीचे की तरफ बनाऊं या ऊपर की तरफ बनाऊं, भाई नीचे की तरफ बनाऊं। तो जब आपका 6 इंचेस का डायमीटर था, 7 इंचेस डायमीटर करके आपका आईपीआर कर जो वीएलपी कर है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोग देखोगे पीडब्ल्यूएफ जो है यहां पे कम हो गया, यहां पे पीडब्ल्यूएफ ज्यादा होता है, वहां फिर इतना ज्यादा हो जाता है पीडब्ल्यूएफ कि आपका रिजर्वर प्रेशर के बराबर हो जाता है। बिल्कुल सही बात। अगर मैं और ज्यादा इसका वैल्यू बढ़ा दूं, डायमीटर और बढ़ा दूं, तो ये और ज्यादा हो जाएगा, ये बढ़ा दूं और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आज आपकी वैल्यू आएगी 16 आएगी, तो पीडब्ल्यूएफ और घट गया। तो डायमीटर और बढ़ाने से, बात समझना, डायमीटर और बढ़ाने से 8 इंच करने से, देखिए यहां पे एरो लग रहा है, इनके बढ़ा रहे हो आप डायमीटर, पीडब्ल्यूएफ और कम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है ना। ये आप पीडब्ल्यूएफ से भी देख सकते हो, आप इसको फ्लो रेट से भी देख सकते हो। कैसे कैसे फ्लो रेट से देख सकते हो? अरे भाई, आप लोगों का डायमीटर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप ट्यूबिंग में कम होगा और फ्लो रेट ज्यादा होगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि फ्लो रेट ज्यादा, यहां आपका फ्लो रेट इतना है, तो फ्लो रेट ज्यादा करने के लिए इस तरफ बनाऊं तो फ्लो रेट कम आएगा, इस तरफ बनाऊं तो फ्लो रेट ज्यादा आएगा, तो भाई डेफिनेटली आप इस तरफ बनाओगे। तो डायमीटर बढ़ाने से डेफिनेटली आप इस तरफ बनाओगे, अगर आप इस तरफ नहीं बनाओगे, इस तरफ बढ़ाते चले जाओगे। बात समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो बात, है ना। तो चाहे पीडब्ल्यूएफ से बना लो, चाहे फ्लो रेट से बना लो, और पिछली बार जब मैंने लेक्चर में बताया था तो फ्लोरेट से बताया था। क्यों? क्योंकि नोडल एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं बताया था आप लोगों को। जब नहीं बताया था तो मेरी मजबूरी हो गई थी कि मुझे पीडब्ल्यूएफ से बात नहीं करनी है, पीडब्ल्यूएफ के साथ कॉन्सेप्ट आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो नोडल एनालिसिस में दोबारा से आ जाएगा, और अगर आपको तभी बता देता तो फिर आपको फ्लोरेट वाला कॉन्सेप्ट पता चलता और आपको कहां कंफ्यूजन क्रिएट होता। ठीक है, तो उस टाइम मैंने काम फ्लोरेट से चला लिया था और आज मैं क्या पीडब्ल्यूएफ से चला रहा हूं, समझ रहे हो बात? ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा, बात समझना, बहुत ज्यादा डायमीटर बढ़ाने से, बहुत ज्यादा डायमीटर बढ़ाने से आप लोग क्या होगा, वो जो आपका वेल है, पहले इतना था, फिर डायमीटर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो यहाँ पे वेल जो है आपका लोडिंग हो जाएगा, वेल आपका बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, यहाँ पे वोटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो वोटर का मास, वोटर का वेट बहुत ज्यादा नीचे की तरफ लगेगा, वो उसको उठा नहीं पाएगा। तो फिर आप क्या होगा कि आप लोगों का डायमीटर बढ़ा, फ्लोरेट बढ़ा, डायमीटर बढ़ा, फ्लोरेट बढ़ा, डायमीटर बढ़ा, फ्लोरेट बढ़ा, लेकिन और डायमीटर बढ़ाओगे तो फ्लोरेट मेरे भाई घट जाएगा, फोर फ्लोरेट घट जाएगा, फ्लोरेट घट जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आप लोग देखोगे ये मैंने आपको बात बता रखी है ना। तो इसलिए आपको मैंने एक जनरल एक फॉर्मूला भी दे दिया, एक इनफैक्ट एक ग्राफ भी दे दिया इसके ऊपर कि डायमीटर बढ़ाने से फ्लोरेट बढ़ता है, ये बात मानता हूं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस कम हो जाते हैं। फॉर्मूले में देख लिया था हम लोगों ने, डार्सी वाला फॉर्मूला था ये भाई, है ना, वहां पर देख लिया था कि फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस कम हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ाने से डायमीटर क्या है, डायमीटर बहुत ज्यादा बढ़ाने से फिर आपका फ्लोरेट कम हो जाने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, समझ रहे हो? क्योंकि वेल लोड होने लगेगा, वेल में लिक्विड स्लज बहुत इकट्ठा हो जाएगा, वेल उसको उठा नहीं पाएगा, समझ रहे हो बात? ये बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों की? तो कहीं ना कहीं आप लोग ऑप्टिमम डायमीटर ऑफ द वेल ऑफ द ट्यूबिंग डिसाइड कर पा रहे हो क्या? बिल्कुल कर पा रहे हो। किसकी हेल्प से कर पा रहे हो? रिजर्वोयर की हेल्प से कर पा रहे हो, और रिजर्वोयर की हेल्प से पीडब्ल्यूएफ से कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहां पे नोडल पॉइंट आपने जो ले लिया वो पीडब्ल्यूएफ ले लिया मेरे भाई, और पीडब्ल्यूएफ नोडल की हेल्प से आप लोगों ने ट्यूबिंग का डायमीटर डिसाइड कर लिया है, समझ रहे हो? तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, एक अच्छा फील आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। देखिए अभी मैं क्या बोलने वाला हूं कि नोडल पॉइंट जो आपका है वो अभी भी वेल का बॉटम ही है, यानी कि पीडब्ल्यूएफ बॉटम ही है। कैसे? अभी देखना जरा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने, पॉइंट वन, वन लिखा ना भाई, जब दो लिख दूंगा तो मतलब नोडल पॉइंट कहां हो जाएगा आपका, वेल हेड पे हो जाएगा। तो जब तक मैं वहां पे वन लिखा हुआ हूं तो इसका मतलब मैं नोडल पॉइंट बॉटम ऑफ द वेल ही लेके चल रहा हूं। तो क्या लिखा, वन इक्वल टू इफ नोडल पॉइंट इज बॉटम ऑफ द वेल, बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं है। जब बॉटम ऑफ द वेल है तो इक्वेशन बदलेगी क्या मेरे भाई? नहीं, ये वाली और ये वाली इक्वेशन वही रहेगी। आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, ये वाली इक्वेशन भी वही है और ये वाली इक्वेशन भी वही है, और दोनों तरफ पीडब्ल्यूएफ ही है इक्वल करके। क्यों? क्योंकि नोडल पॉइंट मेरे भाई पीडब्ल्यूएफ ही है, नोडल पॉइंट मेरे भाई बॉटम ऑफ द वेल ही है। ठीक है, लेकिन आज क्या डिसाइड करने वाले हैं हम, आज जीएनआर डिसाइड करने वाले हैं कि कितनी गैस इंजेक्ट करें जिससे आप लोगों का ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिल जाए। क्या मतलब सर? मतलब हमने तो ये पढ़ा था, हमने तो ये सुना था कि जितनी ज्यादा गैस भेज दोगे उतना ज्यादा वेल बोर में आपका जो फ्लूड है वो ज्यादा कम डेंसिटी का हो जाएगा, और कम डेंसिटी का होगा तो वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा, है ना भाई? ये बात मेरे दिमाग में थी, लेकिन पीछे आइए। ये मल्टीफेज में आप लोगों को फॉर्मूला बताया था मैंने फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप का, फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला का पीछे मैं कभी नहीं छोड़ने वाला, इससे बहुत सारे कंक्लूजन निकलते हैं, इससे बहुत सारे रिजल्ट निकल जाते हैं। क्या था? यही था क्या भाई? जरा जल्दी से देख लीजिएगा, यही था क्या? डीजीडी,
ये मैंने लिख दिया यही था, है ना। अब मान के चल लो भाई, बिल्कुल सही बात है, जैसे ही आप गैस इंजेक्ट कर लोगे आर्टिफिशियल लिफ्ट से, आप गैस इंजेक्ट कर लोगे इधर से और अपने फ्लूड को जो ट्यूबिंग के अंदर है उसको घटा लोगे, उसकी डेंसिटी को कम कर लोगे, तो डेंसिटी को अगर मैं कम कर लूंगा तो फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस कम हो जाएंगे और आपका वेलबोर आराम से प्रोडक्शन देगा। मतलब आपका जो फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस कम हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया, आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा गैस दे दोगे तो आपका वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा और वेलोसिटी बढ़ने फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस उससे डबल रेट से बढ़ने लगेगा। जिस रेट से डेंसिटी से कम हुआ था उससे डबल रेट से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है मेरे भाई। और आपको ध्यान हो तो एक ग्राफ भी मैंने आपको बताया था, क्या जैसे ही डेंसिटी घटेगी तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर घटेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप लोगों का फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप बढ़ने लगेगा और जो इसका टोटल एवरेज प्रेशर ड्रॉप जो आपका बढ़ता था, फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप वो बढ़ता था। बताया था मैंने मल्टीफेस में, बताया था मैंने ये ग्राफ आपको मल्टीफेस में बताया था। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला नहीं हूं क्योंकि वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर करके डिटेल में बताई गई हैं और आपको क्लियर भी हुई होंगी। कोई डाउट होगा तो बात करना मेरे भाई। लेकिन यहां पर मैं क्या बोलने वाला हूं कि अगर आपकी डेंसिटी में कम कर रहा हूं गैस को मिला के तो फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस कम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, फ्लो रेट बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप ज्यादा गैस को इंजेक्ट कर दोगे तो आपकी वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी और वेलोसिटी स्क्वायर से ज्यादा होगी तो आप लोगों का फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना डेंसिटी से कम हुआ है उससे कहीं गुना ज्यादा आपका फ्रिक्शन लॉसेस बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं एक एवरेज, एक फिक्स लिमिट पे ही गैस इंजेक्ट कर सकता हूं, ज्यादा भी नहीं कर सकता, कम भी नहीं कर सकता। ज्यादा नहीं इसलिए नहीं कर सकता कि वेलोसिटी ना बढ़ जाए जिससे मेरा फ्रिक्शन लॉसेस ज्यादा ना होने हो जाए, और मैं कम भी नहीं कर सकता कि मुझे डेंसिटी भी कम करनी है भाई जिससे मेरा फ्लूड ऊपर भी उठ जाए। बात समझ रहे हो? तो मैं फंस गया एक तरीके से। फंस गया मतलब जैसे हम लोग डायमीटर बढ़ाते हुए फंस गए थे ना, कैसे कि डायमीटर बढ़ाते हुए मैं खुश हो रहा था कि मुझे ऑयल मेरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, लिक्विड सलज ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, वो उसको उठा नहीं पाएगा, वेल लोडिंग हो जाएगा, समझ रहे हो, उसको अनलोड करना पड़ेगा, उसको जिसको वेल एक्टिवेशन बोलते हैं हम लोग। वेल एक्टिवेशन मतलब हम लोग ज़्यादा हाई अमाउंट में गैस भेजते हैं जिससे फ्लूड आपका हल्का हो जाए और वेल एक्टिव हो जाए, वेल अनलोड हो जाए। तो वेल अनलोड ना हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा डायमीटर भी नहीं रख सकता। तो मेरे लिए एक फिक्स वैल्यू होगी हर एक के लिए, और वो किस पे डिपेंड करेगी मेरे भाई? PWF पे। तो इसलिए बात समझना कि मैंने, अब चलो कंफ्यूजन हो गया होगा, छोड़ो सब डाटा हटा दो दिमाग से, यहां पे ध्यान दो। मेरे दिमाग में क्या आया कि नोड पॉइंट आपका बॉटम ऑफ द वेल है, इक्वेशन मेरी वही सेम है, मैं क्या डिसाइड करने वाला हूं मैंने यहां पे लिख दिया। मैं जो भी डिसाइड करने वाला होता हूं ना ग्राफ में वो मैं यहां पे ब्लू कलर में लिख देता हूं। जैसे यहां पे ट्यूबिंग का साइज डिसाइड करने वाला था, ट्यूबिंग का साइज मैंने ब्लू कलर में लिख दिया। आज मैं क्या डिसाइड करने वाला हूं? गैस, ऑप्टिमम गैस इंजेक्शन रेट डिसाइड करने वाला हूं, तो मैंने यहां पे गैस इंजेक्टर रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अब मुझे बताओ, जब आपकी गैस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना, ये आपका क्या है? ये आपका PWF है और यहां से आपका ट्यूबिंग के साथ आपका वेल हेड जा रहा है। नोडल पॉइंट आपने क्या बनाया? ये बनाया। और आपका फ्लूड रिजर्वोयर से, बात समझना, रिजर्वोयर से फ्लूड इस तरफ आ रहा है भाई, इस तरफ आ रहा है ना। तो इक्वेशन ये बन गई। अब आपने क्या किया? गैस इंजेक्ट कहां कर रहे हो आप लोग? गैस इंजेक्ट कर रहे हो आप यहां पे, आर्टिफिशियल लिफ्ट गैस लगा रखी, गैस आर्टिफिशियल लिफ्ट लगी हुई है। तो कहां पे चेंजेस होंगे? इनफ्लो इक्वेशन में चेंजेस होंगे या आउटफ्लो इक्वेशन में चेंजेस होंगे? मेरे भाई नोडल पॉइंट यहां है तो यहां से ये यहां चेंजेस हो रहे, तो इसके लिए तो आउटफ्लो हो गया ना, इसके लिए ये इनफ्लो हो गया, ये आउटफ्लो हो गया, तो आउटफ्लो में चेंजेस होंगे, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो बहुत बढ़िया बात। तो कहने का मतलब जो IPR होगा इनफ्लो वाला वो एक ही बनेगा और आउटफ्लो जो होंगे वो चेंजेस होने के साथ-साथ अलग-अलग बनते चले जाएंगे। बात समझ रहे हो? जैसे पीछे भी हुआ था, डायमीटर चेंज कर रहे थे ट्यूबिंग का, तो आउटफ्लो कर्व डिफरेंट डिफरेंट बनते चले जा रहे थे, लेकिन आप लोग इनफ्लो कर्व में कोई चेंजेस नहीं कर रहे थे, तो इनफ्लो कर्व एक ही बनता चला जा रहा था। हो सकता है आप कभी इनफ्लो में चेंजेस कर दो, आउटफ्लो सेम रखो, तो आपके आउटफ्लो एक ही बनेगा, इनफ्लो आपके अलग अलग बनते चले जाएंगे। बात समझ रहे हो? इससे आप पहचान सकते हो, बहुत दिमाग अच्छा सा, अच्छा मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा यहां पे। तो बात समझ रहा, जैसे ही मैंने समझा, मैंने क्या किया, गैस को इंजेक्ट किया, गैस को इंजेक्ट करूंगा तो आप लोगों की डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी फ्लूड की, तो फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेज जो हैं वो कम हो जाएंगे भाई। क्यों? डायरेक्ट डेंसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने कहा कि डेंसिटी घटेगी तो अभी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रेट से नहीं बढ़ रही है, डेंसिटी घटेगी तो आप लोगों का क्या है, ये फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेज कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो भाई क्या करूंगा, ये वैल्यू कम हो जाएगी, बताओ जरा, हाँ, ट्यूबिंग में लॉस होने वाला, जो ट्यूबिंग के अंदर जो लॉस हो रहे हैं वो फ्रिक्शन प्रेशर
ट्यूबिंग में बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं मेरे भाई। अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन जो उसमें एक फ्रिक्शन लॉसेस भी तो होगा, वो वैल्यू कम होगी, तो ट्यूबिंग वाला प्रेशर लॉसेस कम हो गया, तो आप लोग देखोगे ये जब ऐड करूंगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, जैसे मैं गैस को इंजेक्ट करता हूं तो आप लोगों का फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस कम हो जाता है, यानी कि ट्यूबिंग के अंदर लॉस होने वाले प्रेशर वो कम हो जाएंगे, तो पीडब्ल्यूएफ आपका कम हो जाएगा। क्यों? अगर मैं यहां पे 20 रख रहा था, ये 10 था, ये 10 था, तो ये वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी 40, लेकिन आपने क्या कर दिया, गैस भेजा तो ट्यूबिंग के अंदर प्रेशर लॉसेस कम हो गए, तो आप लोगों ने देखा ये हो गया 10, तो आप लोगों का हो गया पीडब्ल्यूएफ 30, तो आप लोगों का पीडब्ल्यूएफ 30 हो गया। तो जैसे ही आपका गैस GLR रेशियो, यानी कि गैस लिक्विड रेशियो, यानी गैस आपने थोड़ी सी भेजी मेरे भाई, और आप लोगों ने थोड़ी सी गैस भेजते ही आपने देखा कि ये आपका जो फ्लोरेट आ रहा है ये आ रहा है 50, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, अपना जो ट्यूबिंग का लॉसेस है, ट्यूबिंग का जो लॉसेस है वो 10 कर दिया, तो आपका पीडब्ल्यूएफ घट गया, पीडब्ल्यूएफ पहले ये था, पीडब्ल्यूएफ आपका घट गया, तो यानी कि आपका नया कर्व ये बन गया। और आपने गैस भेजी तो डेंसिटी और कम हुई, तो आप लोगों का फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस और कम हुआ, तो ट्यूबिंग में होने वाले लॉसेस भी कम हो गए, तो ये वैल्यू मैंने लिख दी 5, और आप 10, 10, 5 और 35 ही, 10, 10, 20, यानी कि 25 वैल्यू ही मिलेगी, तो पीडब्ल्यूएफ और घट गया, पीडब्ल्यूएफ और मेरे भाई और घट गया, है ना, और घट गया, फिर और घट गया, लेकिन और ज्यादा गैस भेजते ही क्या हुआ कि वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ते ही आपका लॉसेस बढ़ गए, ये वैल्यू बढ़ गई, तो ये वैल्यू 50 हो गई। तो आप लोग देखोगे कि ज्यादा गैस इंजेक्शन करने से मेरा पीडब्ल्यूएफ बढ़ गया, यानी कि जो आपका पीडब्ल्यूएफ पहले इतना था, आज आपका पीडब्ल्यूएफ मेरे भाई इतना हो गया, कितना, इतना हो गया, तो आप लोग देखोगे ये पीडब्ल्यूएफ आपका हो गया। तो आपके लिए ऑप्टिमम GLR रेशियो, यानी गैस लिक्विड रेशियो, कि आप लोगों को पर्टिकुलर लिक्विड के लिए कितनी गैस भेजनी चाहिए, वो रेशियो फिक्स हो गया मेरे भाई, कि भाई ये भेज दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ऑयल मिल रहा था, यहाँ पे कम मिल रहा था, और ज़्यादा गैस भेजने से तो बहुत ही कम मिल गया, यानी कि नुकसान हो गया, कोई दिक्कत वाली बात। तो कहने का मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इंजेक्शन जो है वो मुझे पता चल गया, किससे, नोडल एनालिसिस से। यहाँ पे वही बात बोली है कि जितनी गैस आप इंजेक्ट कर रहे हो, आपका फ्लो रेट बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद आपके वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ट्यूबिंग में लॉसेस बढ़ जाएंगे, ट्यूबिंग में लॉसेस बढ़ेंगे, तो आप लोग देखोगे कि आपका फ्लो रेट कम हो जाएगा। तो आप लोगों के लॉसेस बढ़ने से आपका और ज्यादा गैस इंजेक्ट करके कोई फायदा नहीं है, आपका जो फ्लो रेट है वो कम हो जाएगा यहां पे मैक्सिमम, और फिर ये समझ रहे हो। तो मुझे मैक्सिमम गैस लिक्विड रेशियो यहां से पता चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं भाई, अब फील आना शुरू हो गया होगा आप लोगों को, हर एक की कहानी लगभग एक जैसी है, तो यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे देखना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें आने वाली है, बहुत प्यारी चीज़ें आने वाली हैं। क्या उसने कहा एक नंबर ही बोल रहा हूँ, यानी कि आपका जो नोडल पॉइंट है वो आपका बॉटम ऑफ द वेल ही है, यानी कि क्या है, नोडल पॉइंट आपका बॉटम ऑफ द वेल ही है, तो इक्वेशन आपकी हमेशा सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये इनफ्लो इक्वेशन व आउटफ्लो इक्वेशन। तो हम लोग आज जो कर्व बना रहे हैं, मैंने कहा कि मैं जो जिसके ऊपर कर्व बनाता हूँ उसके ऊपर एक ब्लू कलर में लिख देता हूं। इससे पहले वाला किसके ऊपर करो बना रहा था, गैस इंजेक्शन रेट क्या है, या आज मैं किसके ऊपर करो बना रहा हूं कि परफोरेशन डेंसिटी क्या है। मतलब भाई परफोरेशन डेंसिटी मतलब मैं समझानी, भाई आप लोग जो वेल बनाए हुए हो, यहां पे आप लोगों ने पी वेल, ये फ्लोइंग वेल बोर प्रेशर लिखा हुआ है, ये आपका रिजर्वोयर प्रेशर है ये वाली चीज, और आप लोग यहां पे वेल हेड प्रेशर है, बहुत बढ़िया बात। तो आप लोग समझना मेरी बात, आप लोगों ने क्या किया कि परफोरेशन डेंसिटी में चेंजेस किए, इस बार पहले गैस लिफ्ट में चेंजेस किए थे, उससे पहले ट्यूबिंग में चेंजेस किए थे, आज हम गैस जो आपका वेल बोर है उसकी डेंसिटी में चेंजेस कर रहे हैं। डेंसिटी में चेंजेस मतलब क्या, मतलब सर कि परफोरेशन डेंसिटी बढ़ाऊं या घटाऊं। अगर मैं परफोरेशन डेंसिटी बढ़ा दूंगा, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि एक फिट में आप कितने ज़्यादा परफोरेशन कर रहे हो वो आपकी परफोरेशन डेंसिटी है। अगर आपने एक फिट में 10 परफोरेशन किए हैं तो आप, मैं बोल सकता हूँ कि 10 शॉट पर फिट मैंने लगाए हैं, 10 SPF, ये मैंने बोला भी था जब हम लोगों ने परफोरेशन पढ़ा था ना भाई, ठीक है। अगर मैंने बहुत कम परफोरेशन किए हैं भाई, मतलब एक फिट में आप लोगों ने एक यहाँ पे कर दिया, आप लोग रास्ता क्रिएट कर दोगे फ्लूड का वेल बोर के अंदर आने का, यानी कि रिजर्वोयर से फ्लूड आपके वेल बोर में बहुत आसानी से आ रहा है। क्यों? उसके बाद बहुत सारा रास्ता पड़ा है, वो इधर से आएगा, कोई किधर से आएगा, तो आप लोग देखोगे कि मेरा
आप लोग देखोगे मेरा यहाँ पे जो कंप्लीशन लॉस था रिजर्वोयर से मेरा वेलबोर तक पहुंचने में, ये तो हो गया रिजर्वोयर प्रेशर लॉस, है ना भाई, लेकिन कंप्लीशन लॉस भी था ना एक, है ना, मतलब अभी दिखाना चाहूंगा तुम लोगों को, दिखाऊं क्या कंप्लीशन लॉस मैंने आपको दिखाया था पीछे, आपके याद भी होगा, जिसकी याद नहीं है वो यहाँ पे देख सकते हो कैसे कि यहाँ से यहाँ तक आने में आपका रिजर्वोयर का लॉस हो गया, लेकिन यहाँ से वेलबोर के इस दीवार से लेके, वेलबोर की दीवार है, इस दीवार से इस दीवार के दूसरी तरफ आने में जो आपका कंप्लीशन लॉसेस हो रहे हैं, तो ये आपका किस पर डिपेंड कर रहे हैं कि आपने परफोरेशन कितने अच्छे किए हुए हैं, परफोरेशन की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, है ना भाई। तो अगर आपकी डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर लॉसेस होंगे क्या? नहीं होंगे, बिल्कुल बढ़िया बात, तो बहुत बढ़िया बात। चलिए भाई आगे देखते हैं, तो यहाँ पे लॉसेस होंगे क्या? नहीं होंगे, तो वही चीज देख के हम लोग यहाँ पे कुछ डिसाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जल्दी से बताओ मुझे, ये बताओ रिजर्वोयर का आपका प्रेशर है और आप लोगों ने यहाँ पे जो लॉसेस हुए हैं ना, आज डेंसिटी आपने इतनी रखी तो लॉसेस हुए हैं, मतलब आपका यहाँ पे लॉसेस हुए हैं, यहाँ पे लॉसेस हुए हैं, तो इस यानी कि समझ रहे हो, ये 500 था और यहाँ पे लॉसेस हुए हैं, यानी कि मैंने 200 कर दिया, तो पीडब्ल्यूएफ कितना बचा मेरे भाई, 300 बचा, बहुत बढ़िया बात। अगर यहाँ पे लॉसेस ना होते तो, मतलब यहाँ पे लॉसेस ना होते तो, लॉसेस मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे परफॉर्मेंस आपने अच्छा कर दिया, 10 शॉट पर फिट कर दिया, तो लॉसेस होंगे क्या? नहीं, ये लॉसेस नहीं होंगे, तो इस बार 500 जब लॉसेस नहीं होंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी, लगभग मान के चलो 50 होगी, हल्के फुल्के लॉस हुए तो कितना बचेगा भाई, 450। तो आप लोग देख रहे होंगे यहां पे मुझे पहली चीज तो ये बताओ कि फ्लूड यहां से यहां आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, यहां से वहां जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, और चीजें कहां चेंज हो रही है, परफोरेशन डेंसिटी बदलने से आउटफ्लो में चेंजेस होगा या इनफ्लो में चेंजेस होगा, बताओ जरा, हैं, फ्लूड इनफ्लो मतलब यहां से यहां आएगा, आउटफ्लो मतलब यहां से यहां जाएगा, तो इनफ्लो में चेंजेस होगा ना भाई, क्योंकि आप लोग यहां पे चेंजेस कर रहे हो, तो इनफ्लो करो, अलग अलग चेंजेस होने से डेंसिटी के अलग अलग बनेंगे, है ना, आउटफ्लो में तो चेंजेस नहीं हो रहा, पहले हम यहां पे चेंजेस कर रहे थे तो आउटफ्लो में चेंजेस हो रहा था, आज इनफ्लो में चेंजेस हो रहे हैं, तो आप लोग देखोगे आउटफ्लो कर्व आपका एक ही बन गया है, लेकिन इनफ्लो कर्व आपके तीन बन गए हैं, इससे पहले अब तक जितने भी ग्राफ देखे सब उल्टे थे, कैसे कि इनफ्लो कर्व एक ही था, आउटफ्लो कर्व अलग-अलग बन रहे थे, लेकिन आज इनफ्लो कर्व दो तीन बने हैं, आउटफ्लो एक ही बना है, क्यों? क्योंकि इनफ्लो में आज चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग इस पीडब्ल्यूएफ के आने वाले की तरफ से चेंजेस हो रहे हैं, जाने वाले की तरफ चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी, बात समझ रहे हो। अब मुझे ये बता दो भाई जरा बस एक बार कि अगर ये वाला कर, बस समझना, ये मैं यहां बना दे रहा हूं, ये वाला कर तो आपका कांस्टेंट है, क्योंकि आउटफ्लो में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, मान के चलो 400 पर फिट जब आपका था तो आप लोगों ने यहां पे ये वाला ग्राफ बन गया था, यानी कि 400 पर फिट, यानी कि डेंसिटी आपकी बहुत कम है, आपके शॉट बहुत कम लगाए हुए हैं, परफोरेशन बहुत बुरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, तो यानी कि लॉसेस ज्यादा होंगे, लॉसेस ज्यादा होंगे तो पीडब्ल्यूएफ 300 बन गया, जैसे ही आप लोगों ने जो शॉट पर फिट बढ़ाए, डेंसिटी बढ़ाई, परफोरेशन बहुत अच्छा किया, फ्लूड का रिजर्वोयर से और वेलबोर में आने के लिए रास्ता अच्छा बना दिया, जीटी रोड बना दिया, बिल्कुल भाई, है ना, बहुत बढ़िया, तो वहां पे लॉसेस बहुत कम होंगे, तो आपका पीडब्ल्यूएफ 450 हो जाएगा 300 से। तो अब मुझे बताओ अगर मुझे पीडब्ल्यूएफ बढ़ाना है, तो मुझे ये वाला कर्व बनाना पड़ेगा, ये वाला कर्व बनाना पड़ेगा, या ये वाला कर्व बनाना पड़ेगा भाई, कोई भी बता देगा, अंधा भी बता देगा इस बात को, कैसे? अगर मैं ये वाला कर्व बनाता हूं ना, इस तरफ ग्राफ बनाता हूं, तो पीडब्ल्यूएफ कम हो जाता है और ये नॉर्मल था, और आज मुझे पीडब्ल्यू बढ़ाना है तो मैं ये वाला ग्राफ बनाऊंगा, है ना, ये वाला ग्राफ बनाऊंगा। तो कहने का मतलब है आप लोगों के लिए जो सही ग्राफ होगा, नंबर ऑफ शॉट डेंसिटी बढ़ने से, रास्ता अच्छा बनने से, पीडब्ल्यू बढ़ाने के लिए आपका ग्राफ इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो जब आपकी डेंसिटी 4 शॉट पर फिट थे तो ये वाला ग्राफ था, 10 शॉट पर फिट है तो ये बना, 20 कर दूं तो लो भाई और पीडब्ल्यू बढ़ गया, लो भाई बहुत बढ़िया बात है ना भाई। चलिए तो आपने पीडब्ल्यू के हिसाब से इसको देख लिया, ये नंबर ऑफ n हो गया, ये नंबर ऑफ n2 हो गया, और नंबर ऑफ 3 जो n3 है, नंबर ऑफ शॉट ये और ज्यादा बढ़ा दिया उसने, और करो नंबर ऑफ शॉट और करो क्या, हाँ भाई और करो, लो फिर और ज्यादा फ्लो रेट मिलेगा। अब देखोगे कम परफोरेशन है तो कम फ्लो रेट मिलेगा, ज्यादा परफोरेशन है ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा है तो और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रास्ता जितना अच्छा होगा रिजर्वोयर से फ्लूड वेलबोर में उतना ही तेजी से और उतना ही ज्यादा अमाउंट में आएगा। तो मेरे लिए आईपीआर में यहां चेंजेस होंगे, आउटफ्लो में कोई चेंजेस नहीं होंगे, आई होप ये बात आप क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन
अब लालच तो बुरी भला है ही, लालच में लोग क्या करेंगे भाई, कर दो चारों तरफ परफ्यूशन कर दो। ले भाई एक लिमिट में ही तो ऑयल आएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परफ्यूशन अच्छा कर दोगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल बढ़ता चला जाएगा। हाँ मानता हूँ कि नंबर ऑफ परफ्यूशन बढ़ाने से आपका ऑयल का फ्लो रेट बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट वो आएगी उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा भाई। अब रिजर्वर में ऑयल है ही उतना नहीं है तो आप लोग कितना बढ़ेगा, एक लिमिट के बाद वो कॉन्स्टेंट भी हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे यहाँ पे हुआ था, जैसे आप लोग कुछ रेट से फ्लो रेट बढ़ा था जब गैस इंजेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक टाइम के बाद वो घटना स्टार्ट हो गया था, है ना। ऐसे थोड़ी ना होगा कि जितना बढ़ाओगे इतना हो जाएगा भाई, समझ रहे हो ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये बात आपको पता चल गई कि आज आईपीआर में चेंजेस क्यों हुए, वीएलपी में चेंजेस क्यों नहीं हुए, है ना। गेट में क्वेश्चन बहुत प्यारा सा बन सकता है, आप लोगों को दो तीन ग्राफ दे देगा, इसको बोल देगा ए, इसको बोल देगा बी, इसको बोल देगा सी, और वो बोल देगा कि इनमें से किसमें नंबर ऑफ परफोरेशन ज्यादा है, तो वो बोल देगा ए में सबसे ज्यादा, बी में उससे कम, सी में ज्यादा। एक ऑप्शन बी में उससे ज्यादा, ए में ज्यादा, सी में ज्यादा, समझ रहे हो ना। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। मैंने आपको क्या बोला था शुरू में लेक्चर के स्टार्टिंग में, क्या बोला था कि आपके मुंह से खुद निकलेगा कि सर सच में यहां पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं अगर गेट वाला चाहे तो। बात समझ रहे हो, निकल रहा है मुंह से। आप लोग देखोगे ग्राफ में आपको एबीसीडी दे देगा, ग्राफ में आपको एबीसीडी दे देगा और आपको पूछ लेगा कि इसमें किसमें गैस लिफ्ट ज्यादा, जीएलआर का रेशियो ज्यादा है, किसमें जीएलआर की वैल्यू ज्यादा है, आपसे पूछ लेगा किसमें डायमीटर ज्यादा है, किसमें डायमीटर कम है, समझ रहे हो ना। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहां पर बनाए जा सकते हैं। बात कर लेते हैं आज फिर नंबर एक की, क्या कि नोडल पॉइंट आपका बॉटम होल के वेल में ही है, जो आपका वैल है उसके बॉटम पे ही है। तो उसने कहा कि आज किसके बीच ग्राफ बनाना चाह रहा हो, जा रहे हो आप लोग। मैंने आपको बोला था कि जिसके बीच भी मैं ग्राफ बनाता हूँ उसके ऊपर वहाँ पे लिख देता हूँ कि किसके बीच में रिलेशन बनाने जा रहा हूँ। बात समझना कि नोडल पॉइंट आपका वैल का जो बॉटम होल है वही है, तो यानी कि इक्वेशन तो मेरे भाई बदलने वाली है नहीं, इनफ्लो की वही, आउटफ्लो की वही, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरी बात समझना कि अगर मेरा ट्यूबिंग के अंदर ये आपका ट्यूबिंग है, ये आपका क्या है PWF है, ये आपका वेल बोर रिजर्वर है और ये आपका वेल हेड है, है ना भाई। चलिए अगर मैं इस ट्यूबिंग में जो मेरा फ्लूड फ्लो हो रहा है तो उसमें वाटर कट ज़्यादा है, वाटर कट मतलब मान के चलो कि ऑयल के साथ कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है, दैट इज योर वाटर कट, कितना वॉल्यूम में वाटर, कितना वॉल्यूम वाटर आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो मैंने बोला कि अगर 20% वाटर कट है तो इसका मतलब ये बोल दिया मैंने कि अगर 100 ऑयल आ रहा है, मतलब मैंने बोल दिया अगर टोटल ऑयल जो आपका टोटल फ्लूड आपका प्रोड्यूस हुआ आपका 100 है तो उसमें 20 आपका लीटर ऑयल होगा, सॉरी वोटर होगा, और 80 आपका ऑयल होगा, तो 20 क्या हो गया आपका वोटर कट हो गया, ठीक है। तो अगर वोटर कट होगा तो मुझे एक बात बताओ अगर वोटर कट होगा तो वोटर की डेंसिटी कैसी होती है भाई, है वोटर की डेंसिटी कैसी होती है, वाटर की डेंसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी ऑयल से या कम होगी, भाई डेफिनेटली ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे जैसे आपका वोटर कट बढ़ रहा है, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पहले चलिए इसको बात मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे वोटर जो आपका वोटर कट है इसको मैं वैरी करा रहा हूँ, है ना, इसको मैं वैरी करा रहा हूँ और उसके ग्राफ बना रहा हूँ, तो क्या इनफ्लो में कोई चेंजेस होगा का, जो आपका इनफ्लो परफॉर्मेंस रिलेशनशिप है आईपीआर जो आपका है, आईपीआर किसके बीच बनेगा, अगर आपका नोडल पॉइंट ये है तो इसके बीच बनेगा, है ना। तो इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं हुआ क्योंकि आप लोग वोटर कट तो वहाँ पर चेंज कर रहे हो, फ्लूड जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो आईपीआर वाला तो ऐसा ही बन गया मेरे भाई, है ना। अब वीएलपी में चेंज होगा, ट्यूबिंग में चेंज हो रहा है, यानी कि इसके तरफ से जाने वाला जो रास्ता है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो आउटफ्लो में चेंजेस होंगे। अब आउटफ्लो में चेंजेस होंगे तो मुझे एक बात बताओ जरा, आउटफ्लो में चेंजेस होंगे अगर मेरा वाटर प्रोड्यूस होगा तो वाटर तो भारी है, तो फिर से वही इक्वेशन, क्या फ्रिक्शन प्रेशर लॉस, क्या FM रो वी स्क्वायर अपॉन 2GDI2DG एक ही बात है। तो अगर मेरे वोटर कट ज़्यादा आ रहा है तो ओवरऑल डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेज ज़्यादा होंगे, तो यानी कि फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेज ज़्यादा होंगे तो ट्यूबिंग के अंदर टोटल प्रेशर लॉसेज जितने हो रहे हैं वो ज़्यादा होंगे, ये ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू इसमें ऐड होकर ये ज़्यादा हो जाएगी। तो आप लोग देखोगे जितना ज़्यादा वोटर कट आएगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों का क्या PWF बढ़ता चला जाएगा, बात समझ रहे हो, आपका PWF बढ़ता चल जाएगा। वो डेंसिटी वोटर कट मैंने और दे दिया, 50% दे दिया, डेंसिटी और बढ़ गई, ये और बढ़ गया तो वो और बढ़ गया, क्योंकि ये सारे जुड़ रहे हैं आपस में। तो आप लोग देखोगे जब 25% वोटर कट था तो PWF इतना था, 50% वोटर कट है तो इतना हो गया, और 100% बहुत ज़्यादा हो गया, बात समझ रहे हो, ठीक है। और आप इस तरीके से ऐसे भी देख सकते हो भाई, वोटर कट ज़्यादा आएगा
तो ऑयल का फ्लो रेट कम आएगा भाई। अगर 50% वोटर है तो 85% ऑयल मिलेगा, अगर मैं बोल दूं 70% वोटर है तो 30% ऑयल मिलेगा। तो भाई इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, जब वोटर कट जीरो तो बहुत ज़्यादा ऑयल मिल रहा है, जब इस तरफ ऑयल ज़्यादा होता है यार, ये बात मैं बार बार बोल चुका हूँ, इस तरफ ज़्यादा ऑयल होता है और आप लोग देखोगे 25% वोटर तो ऑयल और कम हो गया, 50% वोटर तो और कम हो गया, ये और कम हो गया, समझ रहे हो। तो इसीलिए आप इसे भी देख सकते हो, PWF से भी देख सकते हो, फ्लो रेट से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, बहुत प्यारी सी बात समझ लीजिए भाई, क्या बोलने जा रहा हूँ मैं, ये बोलने जा रहा हूँ कि हो सकता है, मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों का वोटर कट तो हो ही रहा हो, लेकिन आप लोगों का रिजर्वर का प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा हो धीरे 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 धीरे, रिजर्वर का प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे IPR करो, जो मेरा आज ये बना था, कल मेरा IPR ये बन जाएगा, परसों IPR ये बन जाएगा, उससे अगले दिन IPR ये बन जाएगा। तो आपके IPR भी बदल जाएंगे और आपके VLP तो बदल ही रहे थे, क्यों? क्योंकि वोटर कट बढ़ रहा था, पास में रहो। तो अगर मेरा रिजर्वर का प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा तो मेरा इनफ्लो वाला कर्व भी बदलेगा, क्योंकि इस नोडल पॉइंट से आने वाला चीज बदल रहा है, तो इसकी वजह से जो आने वाला ग्राफ था वो भी बदल जाएगा। ये बात में पास में रहो। तो कैसे? उसने कहा कि अगर रिजर्वर प्रेशर T1 टाइम पे इतना था तो बहुत बढ़िया ये वाला ग्राफ बन गया था, तो आप लोगों को इन ये वाली इतना फ्लो रेट मिल गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वोटर कट मान के चलो जीरो है, तो आपको इतना फ्लो रेट मिल गया था। उसने कहा आप लोगों का रिजर्वर का प्रेशर थोड़े टाइम के बाद घट गया, यहाँ से यहाँ घट गया, तो आप लोग ग्राफ ये बन गया, तो लेकिन आपका ट्यूबिंग प्रेशर वही है, ट्यूबिंग में आपका वोटर कट नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, ट्यूबिंग का आपका वोटर कट जो है वो 0% ही है, तो लेकिन आपका क्या हो गया कि इसकी इफिशियंसी तो चलो नहीं गिरी, लेकिन इसकी इफिशियंसी तो गिर गई ना मेरे भाई, तो ओवरऑल प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि मुझे सर्फेस पर उतना ऑयल मिलता है जितनी IPR और VLP दोनों की इफिशियंसी को अगर मैं बात करूँ मिला के तब, है ना, ऐसा नहीं है कि VLP तो बहुत अच्छा है, IPR बेकार है तो ज़्यादा ऑयल मिल जाएगा, नहीं, या ऐसा बोल दूँ कि IPR ज़्यादा अच्छा है और उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है और VLP की कम है तो मुझे ज़्यादा ऑयल मिल जाएगा, नहीं, दोनों की ज़्यादा होनी चाहिए तब सरफेस पे ज़्यादा ऑयल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे VLP ने साथ नहीं छोड़ा, VLP अच्छा सा है आपका, VLP ने मुझे कोई साथ नहीं छोड़ा ये देखिए, लेकिन IPR आपका गिरने लगा बिकॉज ऑफ रिजर्वर प्रेशर गिर रहा है, बात समझ रहे हो, और रिजर्वर प्रेशर गिरने से IPR में चेंजेस क्यों हुए, क्योंकि नोडल पॉइंट ये रहा और आप लोगों का आने वाला ग्राफ जो आपका IPR बनेगा वो इनफ्लो वाले से बनेगा, मतलब जो फ्लूड जहां से आ रहा है, अब जहां से आ रहा है वही बदलेगा, तो मेरा IPR भी बदल जाएगा। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर उसने कहा अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं तो मेरे भाई क्या कि IPR नहीं गिर रहा, VLP चेंज हो रहा है, इसमें VLP वही IPR चेंज हो रहा है, दोनों को मिला दो तो नाश ही हो जाएगा भाई, नाश मतलब बहुत ज़्यादा कम फ्लो रेट मिलेगा। कैसे? आप लोग देखोगे कि जब आपका रिजर्वर का प्रेशर अच्छा खासा था तो आपका ये वाला ग्राफ था और आपके VLP बदल रहे थे और आप लोगों का एक बार ऑयल यहाँ मिला था, एक बार ऑयल यहाँ मिला था, एक बार ऑयल यहाँ मिला था, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आप लोगों का IPR भी गिर गया है और VLP भी गिर गया है, VLP तो गिर रहा है, तो आप लोग देखोगे आज आपको ऑयल और ज्यादा कम महसूस होगा, कम मिलेगा, कि जब आपका ऑयल यहां मिलता था आज आपको ऑयल यहां मिलेगा और आज आपको ऑयल यहां मिलेगा, आज आपको ऑयल यहां मिलेगा, समझ रहे हो। तो आप लोगों को ऑयल जहां यहां मिलते थे अब आपको ऑयल यहां 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 मिल रहे हैं, समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना भाई। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को मैं फील कराना चाह रहा था, तो आई होप ये वाली बात भी आप समझ गए हो, दोनों तीनों ग्राफ में लेके आया हूं आप लोगों के सामने। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं भाई, मैंने क्या बोला था कि जब मैं पॉइंट 2 लिख दूंगा तो 2 लिखने का मतलब है कि अब मैं नोडल पॉइंट वेल हेड को मेजर मान के चल रहा हूं, अब मैं नोडल पॉइंट बॉटम होल को मान के नहीं चल रहा हूं, तो मतलब आप सामने साफ साफ लिखा हुआ है इफ नोड पॉइंट इज वेल हेड, बहुत बढ़िया बात। तो इक्वेशन बदलेगी क्या? बिल्कुल बदलेगी। आज तक कोई इक्वेशन बदली थी क्या? नहीं बदली थी, जब तक नोडल पॉइंट आपका बॉटम ऑफ द वेल था तो कोई इक्वेशन नहीं बदली थी, सब जगह मैंने इक्वेशन वही लगाई थी, लेकिन आज नोडल पॉइंट आपका बदल गया है तो डेफिनेटली आपकी इक्वेशन बदल जाएगी, किसकी? इनफ्लो और आउटफ्लो की इक्वेशन बदल जाएगी, समझ रहे हो। और जब इक्वेशन बदलेगी तो ग्राफ भी बदल जाएंगे, और ग्राफ बदलेंगे तो मेरा डिसीजन जो है सही बन जाएगा कि जो मुझे लेना चाहिए, कितने साइज का लेना चाहिए वगैरह वगैरह। चलिए बात समझते हैं, उसने मुझे बोला इनफ्लो इक्वेशन ये रही, आउटफ्लो इक्वेशन ये रही, कैसे बनी वो भी चेक कर लेते हैं। हालांकि ये बात मैंने आपको बता दी थी स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ये आपका क्या है PWF है, यहां से आपका क्या है रिजर्वोयर है, समझ रहे हो, ये आपका
बड़ा वेल हेड है, इसको मैं नोडल पॉइंट मान के चल रहा हूँ, आज मैं इसको नोडल पॉइंट मान के चल रहा हूँ, आज राजा ये है, कल तक राजा ये था, बात समझ रहे हो। तो चलिए मैंने क्या बोला कि इनफ्लो की बात कर लेते हैं। इनफ्लो में क्या क्या होगा भाई, इनफ्लो में जितना रिजर्वोर प्रेशर होगा उसमें से आप लोगों का रिजर्वोर में लॉस कितने हुए वो, रिजर्वोर प्रेशर में रिजर्वोर में लॉस कितने हुए वो, है ना। तो इनफ्लो मतलब यहाँ पे कितना प्रेशर आएगा उसकी बात कर रहा हूँ, है ना, और यहाँ से कितना प्रेशर जाएगा उसकी बात करूंगा। तो पहले यहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो रिजर्वोर में से कुछ लॉसेस यहाँ होंगे तो चले भाई लॉसेस हो गए, कुछ ट्यूबिंग में लॉसेस हो गए चले भाई लॉसेस, तो तब जाके वो प्रेशर आपको मिला होगा, इनके वेल हेड पे आपको मिला होगा। अब ये आगे भी तो देगा ना भाई, आउटफ्लो की इक्वेशन की बात करूंगा, ठीक है। तो ये प्रेशर किस किस के किस किस को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये प्रेशर किस किस को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सेपरेशन सेपरेटर को कर रहा है, और यहाँ पे जितने लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस मतलब डेल्टा, बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ डेल्टा होता है वो लॉसेस होता है, तो फ्लो लाइन में कितने लॉसेस हो रहे हैं वो, तो फ्लो लाइन में लॉसेस कितने और सेपरेटर में देने के बाद ये आपका वेल हेड प्रेशर बन गया। तो आउटफ्लो इक्वेशन और इनफ्लो इक्वेशन दोनों बन गई है मेरे भाई, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आज मैं ग्राफ किसके बीच बना रहा हूँ, जो मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब भी मैं ग्राफ जिसके बीच बनाता हूँ उसके ऊपर एक ब्लू कलर में वो लाइन लिख देता हूँ। कैसे देखिएगा, ये ब्लू कलर में मैंने लाइन लिख दी, क्या लिख दी, इफेक्ट ऑन द फ्लो कैपेसिटी ऑफ चेंजिंग ट्यूबिंग साइज। मतलब ट्यूबिंग साइज तो हमने कर लिया था पीछे, कहाँ किया था, जब हम लोग वेल हेड को नोड नहीं मान रहे थे, तब हम लोग किसको नोड मान रहे थे, बॉटम होल को नोड मान रहे थे। तो उस टाइम पे हम लोगों ने ट्यूबिंग का साइज डिसाइड कर लिया था, या ट्यूबिंग का साइज डिसाइड करने वाला ग्राफ बना लिए थे। चलिए रिमाइंड करा लेते हैं, बहुत बढ़िया से रिमाइंड करा लेते हैं। ये रहे देखिएगा कैसे बना था, आप लोग देखिएगा कैसे बना, ऐसे बना था और ऐसे ऐसे बने थे। मतलब यहाँ पे IPR एक था, VLP बहुत सारे थे, है ना भाई, वही बोल रहा, बहुत बढ़िया। आज देखते हैं क्या बनेगा, आज देखते हैं क्या बनेगा। वहां पे क्या बना था, ध्यान से समझना, वहां पे ये बना था क्या कि एक IPR था, VLP बहुत सारे थे, यही बना था। आज देखते हैं क्या बनता है मेरे भाई, मुझे भी नहीं पता क्या बनेगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही देखूंगा भाई क्या बना। उसने कहा ट्यूबिंग के साइज बदल रहे हो आप लोग, ट्यूबिंग का साइज बदल रहे हो। तो मैंने क्या देखा कि जब आप लोगों का ये वाला ग्राफ है और आपने कहा कि मैं ट्यूबिंग का साइज पहले डी रख रहा हूं, तो मान के चलो ये जो ट्यूबिंग का साइज है ये किस तरफ आ रहा है, इनफ्लो इक्वेशन में आ रहा है या आउटफ्लो इक्वेशन में आ रहा है, भाई बताओ। ट्यूबिंग का साइज ये रहा, है ना, और आपका नोडल पॉइंट ये रहा, तो ये आने वाले में काउंट होगा या जाने वाले में काउंट होगा, ये तो आने वाले में काउंट होगा, तो इसलिए आप देख रहे होंगे जो इनफ्लो इक्वेशन है वो ये रही और ये रहा ट्यूबिंग का मामला, ये रहा ट्यूबिंग मामला। अगर आप ट्यूबिंग का डायमीटर बढ़ाते हो तो यहां से मेरे दिमाग में इतना आ रहा है फिलहाल के लाइन में, इतना समझ लीजिएगा कि इनफ्लो इक्वेशन में चेंजेस होंगे, आउटफ्लो में चेंजेस नहीं होंगे। इतनी बात समझ गए, क्यों, क्योंकि आप लोगों का इनफ्लो इक्वेशन में ट्यूबिंग में प्रेशर लॉस आ रहा है ना, समझ रहे हो, आउटफ्लो में नहीं आ रहा है। अब तक जब आपका पॉइंट नोडल एनालिसिस पॉइंट ये वाला था, तब आपका आउटफ्लो में आता था ये वाला टर्म, ये आउटफ्लो में आता था, तो उस टाइम पे आपके VLP बहुत सारे बनते थे। लेकिन आज आपका ये वाला नोडल एनालिसिस पॉइंट वेल हेड है, तो ये इनफ्लो में काउंट होगा ट्यूबिंग, तो आपके क्या इनफ्लो वाले अलग अलग बनेंगे। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। देखना आपको पता चल गया होगा कि कितने ज्यादा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चा घूम सकता है, बच्चे का एक तरीके से उसको डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है, जो कि गेट वाला चाहता है, बात समझ रहे हो, वही तो गेट वाला चाहता है कि ये क्वेश्चन करे तो ये दूसरों को खराब कर देगा, समझ रहे हो, तो इसलिए वो घुमाएगा और आप जल्दी से डिसीजन ले लोगे जिस जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, है ना। झटाक से इक्वेशन लिखिए, देखिए इनफ्लो में आएगा आउटफ्लो में आएगा और बना दीजिए, वेल हेड प्रेशर को देखते हुए या फिर फ्लो रेट के देखते हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे दिमाग में आ गया भाई कि वहां पे ऐसा ग्राफ क्यों बना था और यहां पे ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है, यहां पे VLP बहुत सारे क्यों थे, यहां पे IPR बहुत सारे कर क्यों है, बात समझ गए। चलिए तो बात कर लेते कैसे बनेगा, अब बात कर लेते कैसे बनेगा। मान के चलिए मैंने बोल दिया यहां पे कि IPR नंबर ऑफ IPR बनेंगे, VLP एक ही रहेगा, वहां पे VLP नंबर ऑफ VLP ज्यादा थे, IPR कम था, ये बात मैं समझ गया। लेकिन अब बनेंगे कैसे भाई, ये तो चेक कर लो, ठीक है कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। अगर मेरा डायमीटर बढ़ेगा तो मेरा फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस क्या हो जाएगा भाई, वो कम हो जाएगा, बात मानते हो क्या, फ्रिक्स भाई ये ग्राफ आपको कितनी बार मैंने फॉर्मूला दिखा दिया, वो कितनी बार फॉर्मूला दिखा दिया, चलिए देखिए कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ, ये लिखा हुआ क्यों मैंने कई बार आपको दिखा दिया। डायमीटर जब कम ज्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस कम हो जाएंगे, फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस ट्यूबिंग के अंदर कम हो जाएंगे तो ट्यूबिंग के अंदर ओवरऑल प्रेशर लॉसेस भी कम हो जाएंगे, ओवरऑल प्रेशर लॉसेस कम हो जाएंगे तो इसमें से ये वैल्यू कम घटेगी, ये वैल्यू कम घटेगी तो पी वेल हेड आपका ज्यादा हो जाएगा, पी वेल हेड आपका ज्यादा हो जाएगा, बात मानते हो। तो कहने का मतलब है डायमीटर बढ़ने से पी वेल हेड ज्यादा होगा, ये मैंने एक रिलेशन लिख दिया जिससे मैं भूल ना जाऊं,
है ना, भूल ना जाओ, लिख दिया भाई, आपके आके आपकी नजरों के सामने लिख दिया, बिल्कुल बढ़िया बात। कैसे लिख दिया, क्योंकि आपका डायमीटर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस ट्यूबिंग के अंदर कम होंगे, ट्यूबिंग के अंदर फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस कम होंगे तो ओवरऑल लॉसेस भी ट्यूबिंग के अंदर कम ही होंगे। और जब इस वाले वैल्यू में से कम वैल्यू घटेगी, क्योंकि ये माइनस हो रही है, जुड़ नहीं रही है, कम वैल्यू घटेगी तो पीडब्ल्यू अलर्ट ज़्यादा आ जाएगा। मैंने आपको एक बचपन में ये कहानी बताई थी क्या, जब हम फर्स्ट क्लास में थे, क्या बताई थी कि जब भी हम नोड पॉइंट लेंगे, जो भी हम नोड पॉइंट लेंगे वही आपका इस तरफ आएगा। अब तक पी वेल हेड नोड पॉइंट था तो इस तरफ क्या था, पी वेल हेड पी सॉरी इस तरफ अगर आपका पी डब्ल्यू एफ नोड पॉइंट था, अब तक जितनी भी बातें की हैं, इस तरफ क्या पी डब्ल्यू एफ आपका ग्राफ में था, चेक कीजिए भाई, ऐसा ही बोल रहा हूँ कि झूठ तो नहीं बोल रहा, देखिएगा ये रहा सैंड फेस प्रेशर, मतलब वही पी डब्ल्यू एफ ही, बिल्कुल यहाँ पे देखिए पी डब्ल्यू एफ, बिल्कुल यहाँ पे देखिए पी डब्ल्यू एफ, बिल्कुल यहाँ पे देखिए पी डब्ल्यू एफ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज नोड पॉइंट कौन है भाई, आज तो नोड पॉइंट आपका वेल हेड है, तो आप लोग इस एक्सिस पे वेल हेड लेंगे। अब मुझे बताओ, यहां पे मैंने एक रिलेशन निकाला आप ही के सामने, आपने ही एग्री किया इस रिलेशंस को, क्या बोला कि डायमीटर बढ़ने से पी वेल हेड बढ़ेगा, ठीक है। और आप लोगों के सामने मैं बना रहा हूं एक ग्राफ कि ये आपका क्या है, ये आपका VLP कर्व है ना। अब TA IPR बनेगा आपका, एक मान के चलो आपका IPR ये बन गया था, आपने डायमीटर बढ़ाया और ये आपका पी वेल हेड है, बात समझ आई, आपका पी वेल है, डायमीटर बढ़ाया तो आपका पी वेल हेड क्या होगा, अभी तो आपने बताया मुझे डायमीटर बढ़ने से पी वेल हेड बढ़ेगा, ठीक है भाई मैंने बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे पी वेल हेड बढ़ाना है तो ये वाला IPR बनाऊं या ये वाला IPR बनाऊं, बताओ आप ही बताओ भाई, अगर ये बना दूंगा ना तो पी वेल हेड कम हो जाएगा इससे। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है ज्यादा वेल हेड, ज्यादा वेल हेड बनाने के लिए मुझे इसके इस तरफ ग्राफ बनाना पड़ेगा, यानी कि ये और ये, तो ये हो गया आपका पी वेल हेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप लोगों का ये डायमीटर कम है और ये डायमीटर ज्यादा है, और डायमीटर बढ़ाऊंगा तो और फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस, वो फिर से रिलेशन बनेगा और फिर से आपका ग्राफ और ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि आपका पी वेल हेड और ज्यादा हो जाएगा तो ये डायमीटर सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ये वन, ये टू, ये थ्री, और ये हो गया डायमीटर ऑफ थ्री सबसे बड़ा, डायमीटर टू से छोटा और डायमीटर वन सबसे छोटा। तो ये ग्राफ गेट में आराम से बन सकता है। तो आप लोग देखोगे यहां पे डायमीटर जो ये वाला है डी टू, ये डी वन से बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात, डी थ्री ले लोगे तो लो भाई और ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये इस तरीके से क्यों बना और पहले इस तरीके से क्यों बना था, बहुत बढ़िया बात। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दी गई, क्या बता दी गई भाई, बहुत चलो देख लेते हैं क्या बता दिया, इसको हटा दो क्या, बिल्कुल हटा दिया, उसने बोला मुझे देखिए ये अलग ग्राफ है तो इसे किसके लिए बना रहा हूं? ये इसके लिए बना रहा हूं। यहां पे भी नोडल पॉइंट हमारा क्या है, वेल हेड ही है, बहुत बढ़िया, ये ना यहां पे वेल हेड लिख देता हूं, है ना, चलिए वेल हेड हो गया, बढ़िया। तो यहां पे क्या हो गया कि द इफेक्ट ऑफ फ्लो कैपेसिटी ऑफ फ्लो लाइन, आय हाय कितनी बढ़िया बात बोली उसने, कहा कि फ्लो लाइन के चेंज होने से, उसने कहा फ्लो लाइन के चेंज होने से किस तरीके से, बात समझना, फ्लो लाइन के चेंज होने से किस तरीके से आपके ग्राफ बनेंगे, बढ़ेंगे, बदलेंगे, क्या होगा, पता नहीं सर क्या-क्या बोल दिया इसने। तो ये हो गया आपका वेल हेड, ये हो गया आपका पीडब्ल्यूएफ, ये हो गया आपका ट्यूबिंग, ये हो गया आपका फ्लो लाइन, ये हो गया आपका सेपरेटर, कोई दिक्कत नहीं है। वेल हेड पॉइंट कौन सा है मेरे भाई, नोडल पॉइंट कौन सा है, ये रहा आपका नोडल पॉइंट, ठीक है, इक्वेशन वही रहेगी। अब मैंने क्या बोला कि फ्लो लाइन को चेंजेस करने हैं मुझे, तो फ्लो रेट किस में ज्यादा किस में कम होगा, तो भाई मुझे बताओ ये इनकमिंग है या आउटगोइंग है, तो इन अब फ्लो लाइन में चेंजेस हो रहे हैं तो इनकमिंग वाली इक्वेशन में आनी चाहिए, इनफ्लो वाली इक्वेशन में आनी चाहिए बात, या फिर आउटफ्लो में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया, इस वाले पॉइंट से फ्लो लाइन यहाँ है तो आउट वाली में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया, आउट में ही आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करूंगा मैं, देखना समझना, अब मैं क्या करूंगा कि मैंने क्या किया कि अगर डायमीटर आप बढ़ा दोगे, डायमीटर बढ़ा दोगे तो जो फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस हैं तो डेल्टा पी ट्यूबिंग के अंदर, या ट्यूबिंग के अंदर नहीं सॉरी भाई, फ्लो लाइन के अंदर, फ्लो लाइन के अंदर भी कम हो जाएंगे, फ्लो लाइन के अंदर कम होंगे तो क्या होगा, क्या पी वेल हेड भी कम हो जाएगा, क्योंकि जुड़ रहा है इस बार, है ना, पी वेल हेड भी कम हो जाएगा, तो ये मेरा कम हो गया। तो इसका शॉर्ट रिलेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख दूंगा कि डायमीटर बढ़ने से पी वेल हेड आपका कम हो जाता है, ये शॉर्ट रिलेशन हो गया। बाकी का रिलेशन को हटा दूं क्या, बिल्कुल आप ही के सामने बना है, आपको पता है आप इस बात से एग्री ही करोगे, डिसएग्री नहीं करोगे, आप ही के सामने बना है, बहुत बढ़िया। चलिए तो रिलेशन बन गया ये, अब मुझे एक बात बताइए कि आउटफ्लो में चेंजेस होंगे या इनफ्लो में चेंजेस होंगे, भाई आप लोग इसके साइज को बदल बदल के देख रहे हो, इसके यहां पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे, तो इनफ्लो में कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब आईपीआर आपका ऐसा ही बनेगा, आउटफ्लो बदल रहे हो तो यहां पे ये बदलेगा। लेकिन यहां पे क्या था, आपके आउटफ्लो एक ही था, इनफ्लो में चेंजेस हो रहे थे, आज वहां पे क्या हो रहा है, इनफ्लो एक ही, आउटफ्लो में चेंजेस हो रहे हैं, बात समझ रहे हो। अब मैंने क्या बोला कि डायमीटर बढ़ाओ
तो PWF घटेगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपका ये इक्वेशन है, ये इनफ्लो या आउटफ्लो, आपने फ्लो लाइन में चेंज कर दिया, मतलब डायमीटर आपने बढ़ाया, डायमीटर बढ़ाया तो वेल हेड क्या होगा, इस तरफ वेल हेड लिखोगे आप लोग, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने नोडल पॉइंट ही आप लोगों ने क्या लिया है, नोडल पॉइंट क्या लिया है, अरे नोडल पॉइंट आपने वेल हेड लिया है तो वेल हेड लिखोगे, PWF मत लिख देना आप, समझ रहे हो ना भाई, जो नोडल पॉइंट लेते हो वही आप लोग इस तरफ लिखोगे। ठीक है, ये रूल है। चलिए, ये हो गया आपका क्यों, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग क्या कर रहे हो भाई, आप लोग ये कर रहे हो कि डायमीटर बढ़ा रहे हो तो पी वेल हेड घटाओगे, तो डायमीटर अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो मैं पी वेल हेड बढ़ाने की तरफ को अगर आप लेके जाऊंगा या घटाने की तरफ को, भाई घटाने की तरफ को, यानी कि ये बनेगा, तो यानी कि ये D2 है, ये D1 है और D2 ज्यादा है DT1 से, कोई दिक्कत? तो जरा देखिएगा वही बन गया क्या, और डायमीटर बढ़ा दोगे तो और ज्यादा फ्रिक्शन प्रेशर लॉसेस कम हो जाएंगे, है ना, ज्यादा हो जाए, हाँ कम हो जाएंगे और उससे आप लोगों का वेल हेड भी कम हो जाएगा, तो ये हो गया आपका D3, समझ गया ना भाई। तो इसीलिए इसको आप लोग जो ये मैंने फॉर्मूला बता रखा है ना, ये बहुत चीता फॉर्मूला है, समझ रहे हो, चीता फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है, अच्छा इन द सेंस इससे हम लोग बहुत चीजें कोरिलेट कर पा रहे हैं, इससे हम लोग बहुत चीजों का डिसीजन ले पा रहे हैं, इससे हम लोग बहुत चीजें निकाल पा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखे हैं वो काफी चीजें इस लेक्चर में देख चुके हैं, और अब मैं बात करूंगा थर्ड पॉइंट की, कि नोड अगर आपका सब सरफेस सेफ्टी वॉल पे होगा, मतलब सर वेल हेड तो सुना था, आप समझना मेरी बात को, वेल हेड तो सुना था और आप लोगों ने PWF भी सुना था, ये दो नोडल पॉइंट लेके मैं ग्राफ बना रहा था, लेकिन अब आप क्या बोल रहे हो, आप तो सर बहुत अजीब सी बात कर रहे हो, क्या कि नोडल पॉइंट आप सब सरफेस सेफ्टी वॉल पे ले लोगे, मतलब ये आपकी ट्यूबिंग है और इसके अंदर कोई सब सरफेस सेफ्टी वॉल है, इसको आप नोडल ले लोगे, तो बहुत अजीब सा हो जाएगा भाई। अजीब हो या ना हो, इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में, और आगे का लेक्चर, अगले लेक्चर में हम लोग इस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे, बहुत सारे और अच्छे अच्छे कोरिलेशन देखने वाले हैं, जितने कोरिलेशन अभी तक देखे हैं उनसे भी बहुत अच्छे अच्छे, और आपको गेट में अगर कहीं पे भी कुछ भी कोरिलेशन, कुछ भी ग्राफ, कुछ भी इक्वेशन, कुछ भी आउटफ्लो इनफ्लो की इक्वेशन दिख जाए, आप डेफिनेटली छोड़ोगे नहीं, इतना मैं डिटेल और इतनी गारंटी आपको दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इतना कंटेंट, इतना प्यारा कंटेंट आपके लिए एक डिजाइन करके, कहीं कहीं किताबें पढ़ के एक तरीके से लगा दिया है, बस आपको देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इनफ्लो आउटफ्लो का इक्वेशन का फील आपको दे दिया है, ग्राफ कैसे घट बढ़ रहे हैं वो आपको फील दे दिया है भाई, तो काफी चीजें आपको क्लियर करके दे दी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के और कुछ कोरिलेशन है वो देखेंगे, और सारे कोरिलेशन देखने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा अगर मैं नोडल एनालिसिस की बात करूंगा, क्योंकि ये एक जगह से नहीं लिया गया कंटेंट, ये कई जगह से लिया गया, बात समझ लो, कहीं इसमें माथापच्ची हुई है। चलिए ठीक है, ठीक है ना भाई, इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।